नमस्कार प्रणाम सभी को राधे राधे क्या हाल चाल भाई बढ़िया चंगे एकदम बस चलो तो पहले बताओ चाय नाश्ता पानी हो चुका है देखो रीजनिंग आप सभी जानते हैं ये हमारा क्या चल रहा है ये जो हमारा सेशन चल रहा है हम पढ़ रहे हैं 21 दिन 21 मैराथन हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे भैया हम पढ़ रहे हैं इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन और इक्कीस दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस भी अपना खत्म कर रहे हैं ठीक है तो आज हमारा क्या है आज हमारा पांचवा लेक्चर है तो 21 में से पांच दिन हमारे हो चुके हैं तो ये आप लोगों का बहुत प्यार है कि हमारी वीडियो बहुत अच्छे से आगे भी जा रही है हर बच्चे तक पहुंच पा रही है तो आप सभी को पहले धन्यवाद और सभी को गुड मॉर्निंग पहले ये बताओ सब कुछ ठीक है कुछ खा पी गए हो तंदुरुस्त है या तो चाय बनाते रहो वीडियो देखते रहो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक देख लो कौन सा है काउंटिंग फिगर अब काउंटिंग फिगर में टाइप कौन कौन से होते हैं त्रिभुज वर्ग आयत व्रत सीधी रेखाएं तो ये सारे टाइप हमें पढ़ने पड़ेंगे ठीक है तो इन टाइप में अब आप जानते हैं हम डेली एक टॉपिक कवर करते हैं तो आप समझ जाइए ना ये सारे पार्ट हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं ठीक है एक ही वीडियो के अंदर हम इन सबको कवर करने वाले हैं ओके हाउ द जोस चलो तो आज स्टार्ट करते हैं आगाज करते हैं प्यारे से शे सेशन का और एक बार ग्रुप में जो भी आपके साथी हैं सबको बुला लो जल्दी जाओ जल्दी से बुला के लाओ फिर अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है आपका कोई भी भाई बंधु दोस्त ऐसा है जो हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाया है जल्दी से बुला के लाओ कि विकास भैया का सेशन लाइव हो चुका है ठीक है जल्दी से रेडी हैं सब हा जाओ बहुत अच्छे चल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते राम राम तो चलिए तो आप लोग पहले कॉपी में अपने टाइप डाल लेंगे ठीक है अगर किसी ने नाश्ता चाय वगैरह नहीं पी है तो भाई चाय बनाते रहो और क्लास को देखते रहो कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है आ जाओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवानी दास क्या बात है भाई गुड मॉर्निंग शिवानी विमलेश भैया आपको भी गुड मॉर्निंग आर्मी जी अजय किशमिश अमन भैया सबको गुड मॉर्निंग प्यारा सा नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं ठीक है, है? स्टार्ट करें अरे वाह चलो तो सबसे पहला टाइप होगा हमारा त्रिभुज तो सबसे पहले हम त्रिभुजों को काउंट करना सीखेंगे उसके बाद वर्ग निकालना सीखेंगे उसके बाद आयत निकालना सीखेंगे फिर व्रत निकालना सीखेंगे उसके बाद सीधी रेखाएं निकलेंगे तो ये टाइप हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो शुरू करें सबसे पहला ट्र... टाइप डाल लीजिए सबसे पहला टाइप क्या होगा सबसे पहला ही टाइप है हमारा त्रिभुजों को काउंट करना ठीक है पहला टाइप डाल लीजिए त्रिभुजों को काउंट करना ठीक है चलिए भाई रेडी है सब एक बार सभी बच्चे आ जाइए देखो अभी तो बहुत कम संख्या है स्टार्ट करूं तो देखो यही होता है आप लोग जब लेट आओगे तो क्या होगा जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाह रहा हूं वो तो होगा ही नहीं तो जल्दी से पहले संख्या को थोड़ा इंक्रीज करो जल्दी से बुला के लाओ शेयर करो एक बार फटाफट से ठीक है जल्दी से शेयर करो आ जाओ आप देखिए सबसे पहले त्रिभुजों को काउंट करना सीखिए त्रिभुजों को काउंट किया कैसे जाता है देखिए भाई हमारे सामने एक नॉर्मल त्रिभुज बना है त्रिभुज दो टाइप में आते हैं पहला नॉर्मल त्रिभुज ये हो गया ठीक है और एक त्रिभुज इसके अंदर पूछेगा ठीक है तो दो टाइप में हमारे आते हैं ठीक है थेके? एक तो इस प्रकार से और एक उस प्रकार से ठीक है तो ये दो टाइप में हम कैसे अंदर तक घुस के पूरा डिस्कस करेंगे वो हम जानेंगे सो सबसे पहले बेसिक अगर हम बात करेंगे इसके अंदर कितने हैं तो आप कहेंगे विकास भैया एक तो ये हो चुका है एक ये ठीक है एक ये देखिए ये दो ये दो हो चुका है दो हो चुका है और इस दोनों को मिलाकर एक कितना हो गया तीन हो चुका है तो इसके अंदर कितने आए आपके तीन आए बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं देखिए आप कह सकते हैं एक ये दो और दोनों को मिलाकर ये कितना हो चुका है तीन तो इसके अंदर तीन है ठीक है पर हमें आने वाले एग्जाम में हमारी काफी अच्छी हेल्प हो हम इसको सब, सब कुछ अच्छे तरीके से सीख पाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुन्ना कुमार गुड मॉर्निंग जी क्या हाल चाल आ जाओ आरती चलो भाई गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग प्रशांत साक्षी आ गए चलो आ जाए चलिए खरगोश भी आ गया चलो भाई राधे राधे मेरे भाई खरगोश जी आ जाओ तो मैं सीरीज कहता टाइम पे आ जाएगा करो यार वरना बेसिक छूट जाएगा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ सबका आ जाओ तो इसका एक नॉर्मल ट्रिक हमने बना दिया है कि वन प्लस टू कर दीजिए आपस में बस एड कर दीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है एक ये वाला कंसेप्ट होता है इसके अंदर क्या करते हैं जैसे कि नॉर्मली नंबर आएगा तो वन टू ये थ्री ये फोर हमने इतना कर देंगे यस सर तो क्या करना है जो भी हमारा अंतिम नंबर है इसका डबल कर दिया फोर इन टू टू एट ठीक है कितना हुआ एट बट हमें तो पहले बेसिक जानना है ना आठ बनता कैसे पहले ये सीखेंगे आठ बनता कैसे है ठीक है सो आपने क्या कहा नॉर्मल नॉर्मल नंबर आपने काउंट किए तो एक छोटा सा ये वाला होगा एक ये वाला होगा एक ये वाला होगा एक ये वाला तो छोटे छोटे यहाँ पर चार ट्राइंगल बन गए चार तो बन गए हाँ सर चार के बाद इस लाइन से देखिए इस लाइन से चार और एक कितना हो चुका है पांच कितना हो चुका है पांच और एक ऊपर की तरफ देखोगे तो कितना बना छ कितना बना छ छ हो चुका है यस एनो यस एनो हाँ सर छह हो चुका है छह के बाद इस लाइन से ऊपर को देखो सात सात एक नीचे की तरफ देखो आठ कितना आठ तो टोटल तो कितने बने आठ पर हमेशा आप इसके अंदर कभी ऐसे भी लाइन कर देगा कभी इतनी भी कर देगा कभी सिर्फ इतनी दे रखी है तो आपको क्या करना है आपको बस सिर्फ सिंग, सिंग सिंगल एक ही चीज़ सोचनी है कि जो भी हमारा अंतिम अक्षर होगा जैसे यहाँ पर चार था तो क्या करना है फोर इंटू टू कर देना है चार दो नहीं आठ डायरेक्ट आंसर हमेशा क्या आएगा सही आएगा ठीक है दैट्स वाई क्वेश्चन देखो सीधी सी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे सामने कोई भी अप्रोच आए कोई भी कंडीशन आए ठीक है, है? सबसे पहले हम इसको सीखेंगे फिर इनकी ओर मूव करेंगे ठीक है भाई तैयार हो जाइए जल्दी से आ जाओ कोई जल्दीबाजी नहीं करनी जिसके बारे में समझाऊंगा सिर्फ उसी पर फोकस करना है ठीक है रेडी है ना सब ठीक है भाई आ जाओ तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन हमारे सामने ये आया तो मैंने इसके ऊपर समझाया आपको क्या करना है वन और यहाँ टू तो वन प्लस टू आपने क्या कर दिया सर थ्री हो चुका है ठीक है यहां पर देखिए वन टू थ्री तो क्या किया वन प्लस टू प्लस थ्री। तो कितना हो गया भैया जल्दी बताइए तीन दो पांच और एक छ हो गया क्या क्या बात है शानदार देखो One plus two plus three plus four plus five. तो आपने क्या देखा ध्यान से सुनना एकदम कितना हो गया नौ पांच और चार नौ नौ और तीन बारह दो चौदह एक पंद्रह टोटल कितना हुआ पंद्रह पर एग्जाम में अगर लास्ट नंबर पंद्रह तक आ गया फिर क्या करोगे तो अब तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी ना तो अच्छी ट्रिक सीखनी पड़ेगी हाँ सर बात तो सही कह रहे हो बात एकदम सही कह रहे हो ठीक है तो अब इसमें तो हमने सीख लिया कि सबसे पहले नंबरिंग करिए और फिर उनको आपस में ऐड कर दीजिए ठीक है बेसिक हो गया पर बड़ा क्वेश्चन आ गया जैसे ये आ गया तो क्या करेंगे चलो अगर बड़ा नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे प्लीज पॉसिबिलिटी क्या है मैंने क्या पूछा आप सबसे मैंने आप सबसे क्या पूछा है पॉसिबिलिटी क्या है आप मुझे डिफाइन कीजिए जल्दी से सीख जाएंगे हम हर उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसके लिए हम बने हैं नीतीश भैया बताइए आरती देखो समझो अगर हम प्यारे बच्चा करते हैं वन प्लस टू अगर हम करते हैं इसमें अगर इसमें हम करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन अगर आप करते हैं तो प्यारे बच्चा सिक्स और सेवन छह सात कितना तेरह तेरह पांच अट्ठारह अट्ठारह चार बाईस बाईस और तीन कितना हो गया पच्चीस पच्चीस दो सत्ताईस और एक कितना आया प्यारे बच्चा अट्ठाईस आ गया पर सोचो हमें कितना ज्यादा समय लगा हमें इन सभी नंबर को आपस में ऐड करना पड़ा तब हमारा अट्ठाईस जाकर बना बिल्कुल ध्यान से सुनना पर निंजा टेक्निक होनी चाहिए हमारे पास जिससे कि हमें इतना समय ना लगे तो आप जिंदगी में एक बात याद रखिएगा जब भी एक नंबर से लेकर किसी भी एक नंबर कभी भी किसी कितने तक नंबर को अगर एक से काउंट करना पड़े तो आपको क्या करना जैसे एक से लेकर सात तक सत्रह सत्तर एक सौ बीस एक सौ अस्सी कुछ भी लास्ट नंबर जो भी है बस क्या करना है लास्ट नंबर सात है सात के बाद क्या आता है आठ आता है सात के बाद क्या आता है आप कहते हैं आठ तो आपस में मल्टीपल करके आधा कर दो ठीक है सात अठे छप्पन और छप्पन का आधा क्या होता है अट्ठाइस होता है तो माइंड में ही लाना ऐसे नहीं कि सर मुझे उस पर लिखना है कॉपी पे कॉपी पे नहीं लिखना है कॉपी पे नहीं लिखना है बस आप माइंड में सोचना है माइंड में सोचना है कि विकास भाई ने क्या ट्रिक बताई थी लास्ट नंबर क्या था दो दो के बाद क्या आता है तीन अब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो दो और एक तीन लिख दो इसमें थोड़ी ना दिमाग लगाना है वैसे ट्रिक तो यहाँ भी लगेगी दो छह का आधा तीन ठीक है यहाँ लास्ट नंबर तीन है तीन दो पांच रिक्शा है जो छोटे क्वेश्चन है उनके लिए नहीं होता छोटे क्वेश्चन को तीन दो पांच रिक्शा है बोल दोगे परंतु ट्रिक भी पता होना चाहिए तीन चौक बारह का आधा छह चार के बाद क्या आता है पाँच तो चार पाँच बीस का आधा बीस का आधा क्या होता है दस होता है ठीक है तो ऑलवेज ये ट्रिक काम आएगी आपको ठीक है अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लेता हूं ठीक है आप समझना ये देखो मैंने क्वेश्चन लिया मैंने क्वेश्चन लिया एक से लेकर दस तक मैंने क्या बोला प्यारे बच्चा मैंने बोला एक से लेकर दस तक आपको बताना था तब आपने क्या देखा तब आपने कहा विकास भैया इसमें हम कर सकते वन प्लस टू प्लस बाबू इतना करोगे ना तो कंफ्यूज ही आ जाओगे देखो आपने कहा दस दस और नौ उन्नीस और उन्नीस और आठ कितना चौतीस हो गया सत्ताइस चौतीस चौतीस और छः कितना होगा चौतीस और छः आपका कितना चालीस चालीस और पांच पैतालीस पैंतालीस और चार उनचास और तीन आपका कितना होगा इक्यावन इक्यावन और दो इक्यावन और दो तिरपन तिरपन एक चौवन तो एक इसमें मिसिंग रह गया पचपन है अब टोटल इसके अंदर क्या है पचपन है ठीक है एक मिसिंग हो गया कोई नंबर कोई बात नहीं जल्दी बाजी में छोड़ अब क्या हुआ इसमें ऐसे ही गलतियां होंगी इसमें ऐसे ही गलतियां होती हैं तो आपको सही क्या करना है लास्ट नंबर पकड़िए दस और दस के बाद क्या आता है दस गुणा ग्यारह एक सौ दस और एक सौ दस का आधा कितना होता है पचपन होता है सीधा डारर ठीक है ना तो गलती होगी और ना ही कुछ होगा ठीक है भैया बात समझ में आई सबको यस सर ठीक है आइए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर देखिए क्या करना है अब ऐसा क्वेश्चन आ गया क्या करना है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कितना है लास्ट नंबर चौदह तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं सोचना आपको कुछ नहीं सोचना चौदह के बाद क्या आता है पंद्रह चौदह गुना पंद्रह दो सौ दस और दो सो दस का आधा एक सौ पांच कैसा लगा कैसा लगा कुछ नहीं सोचना कुछ भी नहीं सोचना हेमा जी गुड मॉर्निंग दोस्त गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल क्या हाल चाल भाई सबके बढ़िया है एक बार सब बताएं हालचाल क्या है आपके बढ़िया एकदम और भाई जितने भी दोस्त बैठे हो इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है ठीक है है इसकी कंप्लीट की प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिसने भी अभी तक इसकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को सभी को वॉच नहीं किया है तो क्या करना आपकी जो कमेंट बॉक्स है इसी में मैं एक ऊपर पिन कर देता हूँ ये ना मैसेज ठीक है प्लेलिस्ट का तो आपको क्या करना है इसी प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है क्या करना है प्यारे बच्चा ठीक है इस पर क्लिक करना है तो वीडियो तो कटेगी नहीं इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद एड ठीक है सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना तो आपकी प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी तो जब भी फोन के अपने यूट्यूब के होम बटन पे क्लिक करवा करोगे ना वो सॉरी साइड में लाइब्रेरी वाले पे तो सबसे पहले ऊपर आ जाया करेगी तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी ठीक है आ चलो मस्त है सर तो आप कैसे मैं भी एकदम मस्त हूँ चलिए सर कैलेंडर की पी भेज दीजिए खरगोश जी आप पी डी कह रहे हैं मैं आपको हैंड रिटिंग नोट्स भेज दूंगा और बताओ <laughs> चलो आ जाओ ये क्वेश्चन हो चुका है आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो अब मैंने इसमें क्या किया अभी तक तो मैंने नंबर चौदह तक किया था तो मैंने इसमें एक और नंबर बढ़ा दिया पंद्रह इसमें मैंने एक और नंबर बढ़ा दिया पंद्रह अब जल्दी से आंसर दो मैं कुछ बच्चों को एक बार मैसेज डाल दूँ है ना आप एक बार जल्दी से बुलाओ ठीक है एक बार आप जल्दी से करो ठीक है मैं कुछ बच्चों को बुला के लाता हूँ तुम साथ और मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का यहाँ पत्ते पत्ते पर हो नजर जो उसने डाली नाम राधे का चलता शहर के हर रास्ते पर चारों तरफ डंका बजता है हो हो चारों तरफ डंका बजता उस रास दुलारी का मेरा श्याम दीवाना है चारों तरफ डंका बजता हो हो चारों तरफ डंका बजता है उस राज का आ भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो लास्ट नंबर क्या है पंद्रह है तो बाकी बिहारी की जय बोल दो आ जाओ तो लास्ट नंबर पंद्रह है तो क्या करना है आपको पंद्रह गुणा सोलह दो सौ सो चालीस और दो सौ चालीस का आधा कितना हो गया एक सौ बीस कैसा लगा तो इसका मतलब चीजें आप समझ चुके हो चीजों समझ चुके हो ठीक है तो आज के बाद जिंदगी में इतना याद रखना कि जितने भी तुम नंबर चल रहे हो अगर आपको ट्राइंगल निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे लास्ट नंबर क्या था पंद्रह है तो जो भी नंबर आए उससे अगला नंबर ले लो और उसका क्या कर दो आधा तो पंद्रह गुणा सोलह दो सौ सो चालीस और तो दो सौ चालीस का आधा एक सौ बीस हो गया ठीक है आ जाओ जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर आप देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस यहाँ पर कितने थे बीस तो आपने कहा बीस गुणा इक्कीस चार सौ बीस और चार सौ बीस का आधा क्या हो गया दो सौ दस ठीक है तो ये चीजें सीखने की हैं जैसे मैंने इसमें क्या किया मैंने इसके अंदर एक और नंबर बढ़ा दिया इसके अंदर मैंने एक और नंबर बढ़ा दिया देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस चलो लास्ट नंबर क्या है इक्कीस है अब देखते हैं किसका आंसर आता है जल्दी से जल्दी से बताइए लास्ट नंबर क्या है मेरे भाई लास्ट नंबर आपका इक्कीस है क्या है ट्वेंटी वन आप बताओ किसका आंसर आएगा सबका आंसर आना चाहिए जल्दी बता, बोलो जल्दी से तो मैंने क्या बताया था लास्ट नंबर क्या है 21 है तो कुछ नहीं करना 21 के बाद क्या आता है 21 के बाद आता है 22। तो अगर आप एक से लेकर इक्कीस तक बाईस तक ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि इक्कीस प्लस बीस प्लस उन्नीस प्लस अट्ठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह नहीं करना बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो सबसे आसान आपस में मल्टीपल करो बाईस इकम बाईस और बाईस दूनी चवालीस और चवालीस और दो कितना होगा चवालीस और दो छियालीस चार सौ बासठ चार सौ बासठ चार सौ बासठ का आधा कितना होगा दो दूनी चार दो तीन अच्छा और दो एकम दो दो सौ इकतीस कैसा लग रहा है कैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना अरे वाह

पाँच छः सात लास्ट नंबर सात है तो सेवन इंटू सात छप्पन और छप्पन का आधा अट्ठाईस आपने कर दिया अब यहाँ पर सारी सीधी रेखाएं थी तो आपने कर दिया पर कभी सीधी रेखाएं में इस प्रकार से भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे क्या इसको फेस कर पाओगे इस पोजिशन को फेस कर पाओगे बिल्कुल करेंगे सर क्यों नहीं करेंगे बताओ क्या आंसर होगा सो so बेसिकली अगर हम बात करें एक अलग से कुछ नहीं करना होता आप अगर सोचो अगर ये वाली जो ये लाइन है अगर मैं इसको हटा दूं अगर सोचो ये लाइन मैंने हटा दी तो क्या करते हैं जो करते हैं ना वही कर दो सिर्फ जो करते थे वही कर दो तो आप करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात लास्ट नंबर क्या है सात तो हम क्या करते थे सात अठे छप्पन का आधा अट्ठाईस तो यहाँ तक कितने हो चुके हैं हमारे अट्ठाईस हो चुके हैं अट्ठाइस हो चुके हैं अब आपको एक काम करना है इसके अंदर एक नया चेंजेस बस इतना करना है कि यहाँ पर लाइन काउंट करो जो ये क्षेत्र रेखाएं पड़ी है कितनी है एक लाइन और ये दो लाइन तो जितनी भी लाइन पड़ी होती है उससे मल्टीपल कर दो तो अट्ठाइस धनी छप्पन इसके अंदर कितने हैं छप्पन ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर त्रिभुजों की जो संख्या है टाइप नंबर वन पढ़ रहे हैं हम लोग अभी छप्पन है ठीक है भाई यस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो सारी चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ है ना अगला पार्ट देखिए अभी इसी टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में जाना है आपको इसके अंदर भी ठीक है आ जाओ साक्षी श्रेया श्रेया कैसे हो आप शिवानी दास चलिए आरती सब कुछ क्लियर है ना आ जाओ प्यारे बच्चा अब देखो इसके अंदर एक चीज समझना देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में आए हैं ठीक है और काम उन्हें भी होगा बिल्कुल होगा भाई ठीक है कुछ ना कुछ घर का काम है परंतु मेरा मानना ये है कि मैं मैं छः से सात भी रख छः से आठ भी कर सकता था इस क्लास को दो घंटे का सेशन जो हमारा होता है बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई छः से सात अगर देखा जाए सात बजे के बाद फैमिली में इसमें बहुत इशूज़ होते हैं काम करना है घर का काम है बाहर का ये है वो बहुत सारी लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं तो इसीलिए मैंने पांच से सात का टाइम रखा जिसके बीच में भोर का समय होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है कुछ भी करते रहो है ना तो इसीलिए पढ़ाई के लिए मैंने अलग से टाइम निकाला तो प्लीज आप रेगुलर आइएगा ठीक है ये उम्मीद है कि आप लोग को सबको समझ में आएगा मेरी क्लास के द्वारा इक्कीस दिन में सिलेबस खत्म करा दूंगा अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार तो लास्ट नंबर चार चार के बाद क्या आता है पांच चार पे बीस का आधा दस दस इसके अंदर भाई चार, चार तीन सात दो नौ दस अगर ऐसे दस कर रहे हो तो ठीक है छोटा नंबर है तो ऐसे कर लो बड़ा होगा तो क्या करेंगे चार के बाद क्या आता है पांच तो चार पे बीस और बीस का आधा दस अब कितनी छेतीज रेखाएं थी एक और दो तो दस दुनी कितना हो चुका है बीस इसका आंसर आ चुका है इसके अंदर बताएं एक दो तीन चार पांच ठीक है लास्ट नंबर पांच तो पांच के बाद क्या आता है छ पांच तीस का आधा पंद्रह यहां पर तो कितनी छेत्री रखाई थी एक दो तीन तो पंद्रह थी कितना हो चुका है पैतालीस इसके अंदर पैतालीस ट्राइंगल्स है कितने हैं पैतालीस आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो बोलो क्या हुआ कोई दिक्कत आ रही है बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या नहीं ना प्लीज करो ना थैंक यू प्रीति प्रशांत भैया अजय आर्मी जी गुड्डू भैया चलो चलो मलेंद्र जी अच्छा सर नोट्स कर नोट बना रहे हैं ठीक है भाई ठीक है इसमें देखेंगे अब देखो अब हम उन क्वेश्चन में कंफर्टेबल फील कर रहे थे हम समझ पा रहे हैं हम उन क्वेश्चन में कंफर्टेबल फील कर रहे थे अशोक भैया गुड मॉर्निंग आ जाओ तो करना क्या है इसमें क्या करना है आप वन टू थ्री फोर फाइव आपने देखा पांच छक तीस का था पंद्रह इसके अंदर पर यहाँ पर ये यह लाइन यहाँ से यहाँ तक थी ये भी पूरी थी तो हमने सीधा मल्टीपल कर दिया बट यहाँ पर पूरी लाइन एक तो ये है एक ये वाली भी है एक दो तीन चार पांच ठीक है अब देखो हमें क्या करना है अगर हमें ऐसा कोई पोजिशन मिल रहा है अगर हमें ऐसी कोई पोजिशन मिल रही है जहां पर पूरी पूरी लाइन जैसे एक लाइन ये वाली भी थी ये वाली भी थी तो कितनी अब देखो जितनी लाइन डायरेक्ट थी उनको कर दो कंप्लीटली एक दो और तीन तो पंद्रह तीन पंद्रह ती अभी तक पैंतालीस ट्राइंगल ये हो चुके हैं और यहां पर एक्स्ट्रा देखिए एक दो तीन तो तीन दो पांच और एक छह यहां पे हो चुका है तो पैंतालीस और छह कितना हो जाएगा इक्यावन हो जाएगा तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स थे इक्यावन ठीक है कितने थे भैया इक्यावन ओके क्लियर है भाई यस सर सत्तावन नहीं है प्यारे बच्चा ठीक है सत्तावन नहीं है सत्तावन क्यों नहीं है क्योंकि मैंने कहा ये भी कंप्लीट लाइन है ये भी इसमें देखो यहां से लेकर यहां तक अगर आप इसको अलग अलग काउंट करते हैं तो पंद्रह इसमें, इसमें तो तो एक दो तीन चार पांच पांच थी, तो तो थी पैंतालीस ये हो गए और यहाँ पर छह यह ये हो गए तो पैंतालीस और छह कितना होगा इक्यावन क्लियर है यस सर अब ये वाला देखो अब हमें क्या है सब छोटे छोटे हैं तो क्या है अलग अलग काउंट होंगे जैसे देखो एक दो तीन चार पाँच तो पांच वाले में क्या होता है पांच के बाद छह पांच पाँच तीस तीस का आधा पंद्रह पंद्रह इसके अंदर एक दो तीन चार तो चार पंजे बीस और बीस का आधा दस इसके अंदर ठीक है तो चार वाले में दस आते हैं एक दो तीन चार चार वाले में दस हो गए और तीन वाले में कितना होता है तीन दो पांच रहेगा तीन वाले में छः होते हैं एक दो तीन तो तीन वाले में छः होते हैं आ जाओ तो कितना हुआ पंद्रह वो रहा पंद्रह वो दस और दस बीस बीस ये और छह और छह बारह ये तो कर दोगे पंद्रह और बारह कितना होगा पंद्रह और बारह सत्ताईस और सत्ताइस और बीस कितना हो जाएगा सैतालीस होगा कितना होगा सैतालीस होगा क्या बात है मोनू जी चलिए मुन्ना भैया आ जाओ अगले का आंसर क्या आएगा प्रशांत भैया जल्दी से जय श्री राम राधे राधे नमस्ते राम राम हेमा जी अब जल्दी से समझना है आपको ठीक है हेमा इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लास्ट नंबर क्या है मेरे भाई लास्ट नंबर है जी छः लास्ट नंबर क्या है तो हमें क्या करना है मेरे भाई लास्ट नंबर क्या है छः तो छः के बाद क्या आता है सात तो छः सद बयालीस का आधा इक्कीस डायरेक्ट करो कितने आ गए इक्कीस तो इसके अंदर इक्कीस इसके अंदर तो ये भी सेम लाइन थी और ये भी सेम लाइन थी तो इक्कीस दुनिया कितना हो चुका है भाई इक्कीस इसके अंदर है तो इक्कीस इक्कीस बयालीस तो ये हो चुका है उसके बाद देखो एक दो तीन चार चार वाले में दस होते हैं ठीक है और एक और दो दो और एक तीन हो गया तो कितना इक्कीस इक्कीस बयालीस मैंने लिख दिया है ठीक है और दस तीन तेरह और लिख दीजिए तो कितना हुआ तीन दो पांच चार एक पांच कितना हुआ पचपन सबका पचपन आ रहा है भाई पचपन आ रहा है देखो छह वाले में छह से बयालीस का इक्कीस इसके अंदर तो इसमें भी छह हैं तो इक्कीस इक्कीस तो इक्कीस और इक्कीस बयालीस ये हो गए यहाँ देखो चार वाले में दस चार तीन सात दो और एक दस दस इसमें और तीन इसमें दस तीन तेहरा तो बयालीस और तेरह कितना होगा पचपन होगा अरे वाह अगला देखो नेक्स्ट का आंसर देखिए क्या आएगा इसका आंसर दीजिए जल्दी से अजय भैया बहुत अच्छे बहुत शानदार भैया इसका आंसर देंगे भाई इसका आंसर देखिएगा आपने क्या करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आठ नहीं अब देखो आठ तक गई अब यहाँ पे अगर हम उसी ट्रिक से करते हैं तो कितना टाइम लगता आठ सात ठीक है कितना होता है आठ और सात पंद्रह पंद्रह और छह कितना होगा पंद्रह छह इक्कीस इक्कीस और पांच छब्बीस छब्बीस और चार तीस तीस तीन तैतीस बहुत ज्यादा समय लगता है मत करो ऐसे करो आठ के बाद क्या आता है आठ निमाई तो आठ निम बहत्तर का आधा छत्तीस छत्तीस इसके अंदर है तो इसके अंदर भी कितने हो गए छत्तीस तो छत्तीस और छत्तीस कितना हो गया बहत्तर तो ये हो चुका है ठीक है उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ तो छः सती बयालीस का आधा इक्कीस इसके अंदर है एक दो तीन चार चार वाले में दस आते हैं और एक और दो तीन ये हो गया तो आ जाओ कैंड बहत्तर तो ये हमने लिख दिए थे उसके बाद इक्कीस और तीन कितना हो गया इक्कीस और तीन चौ इक्कीस और तीन कितना हो गया चौबीस चौबीस और चौबीस और दस कितना हो गया चौबीस और दस चौंतीस तो कितना हुआ चार और दो छत और, और तीन दस कितना है इसके अंदर एक सौ ट्राइंगल है कितने इसके अंदर एक सौ ट्राइंगल है अज्जू भैया क्या बात है बहुत बढ़िया सर कितने करा दे पहला ही टाइप चल रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है निन्यानवे आंसर आ रहे हैं आ जाओ एक से लेके आठ तक था तो आठ निम बहत्तर का आधा छत्तीस तो छत्तीस इसमें तो छत्तीस इसमें भी हो क्योंकि ये भी कंप्लीट लाइन है छत्तीस छत्तीस बहत्तर ये हो चुका है यहाँ छः तक था तो छः सौ बयालीस का था इक्कीस ये हो गया चार वाले में दस होते हैं चार तीन सात दोनों और एक दस और दो और एक तीन तो इन सबको ऐड कीजिए इक्कीस और तीन चौबीस और दस चौंतीस तो बहत्तर में चौंतीस ऐड कर दोगे ना हाँ सर चलिए एच आर फिटनेस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मेरे भाई क्या हाल चाल बढ़िया सुनील भैया गुड मॉर्निंग मनेंद्र जी अगला क्वेश्चन देखें चलो तो ये टाइप हमने कर दिए फिनिश अब हमारे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं देखिए ये हमारा क्या था पार्ट टू पार्ट टू अब पार्ट टू के बारे में थोड़ा सा मैंने समझाया था आपको ठीक है आ जाओ टाइप टू टाइप टू कैसे करते हैं भाई है ये भी ट्रायंगल का ही ध्यान रखना ट्रायंगल दो टाइप के होते हैं मैंने अभी समझाया था जो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं आए थे वो समझ लो देखो ट्रायंगल के ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ठीक है पर हमें एक एक करके कर डिस्कस करना है तो मैंने कहा कि ट्रायंगल दो टाइप में आता है पहला नॉर्मल ये हो गया ठीक है और दूसरा ये तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया डिटेल में अब इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तो रेडी हो जाओ आ जाओ चलो शानदार तरीके से समझना हेमा अब देखो क्या करना है गुड्डा देखो टाइप नंबर टू पे आइएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले मैंने कहा एकदम सिंगल वे में अगर सीखे तो सिंगल में नहीं हमें डायरेक्ट तरीके से सीखना है ऐसा नहीं करना कि एक दो तीन चार चार के बाद विकास भैया ये पांच हुआ ये छे हुआ इस लाइन से देखो तो यहाँ से एक ऊपर सात हुआ एक नीचे आठ हुआ ऐसे आठ हुआ नहीं भैया ऐसे आठ नहीं करना आपको तरीके से करना लास्ट नंबर क्या है चार है तो क्या करना है फोर इंटू टू तो चार दुनी कितना हो गया आठ हो गया ऐसे करना है ठीक है चार दुनी आठ होगा ठीक है इसके अंदर बताओ इसके अंदर कितने है? जल्दी से आ जाओ सर मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़कर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन अपने आप ही करा रहे हो और बता तो सही कैसे करना है ये क्वेश्चन अज्जू भैया दिक्कत पता है क्या है बाबू दिक्कत पता है क्या दिक्कत यही है कि आपने मेरे अंदर कमी निकाल दी ठीक है कोई बात नहीं है पर आपने उसको टाइम नहीं दिया समझने का है ना आप पहली बात आप लेट आए हो और आपने क्या किया जो पहला टाइप आपने पढ़ा नहीं ठीक है तो आपने ये सोचो कि वो बेसिक है शायद आपको आता भी हो और पहला ही टाइप है ये दूसरा टाइप चल गया है ठीक है ठीक ना इसका दूसरा टाइप आ गया ठीक है और इससे पहले वाले टाइप में कुछ खास नहीं होता तो आप सीखने की कोशिश करो ना आप कमी निकालने के पीछे रहोगे तो दोस्त कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे समझो ठीक है आओ मैं समझाता हूँ मैंने इसमें कुछ अलग नहीं बताया देखो नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो दो और एक तीन बोलते हो तीन दो पांच और एक छह बोलते हो ठीक है यहाँ देखो पाँच चार नौ पाँच चार नौ नौ और तीन बारह दो चौदह पंद्रह बोलते हो पर मैंने कहा कि एक आसान भाषा में अगर इसको सीखना है तो आप ऐसे समझो छोटे क्वेश्चन को तो बोल दोगे तीन दो पाँच और एक छह पर एक नॉर्मल ट्रिक मैंने बताया कि तीन के बाद क्या आता है चार तीन चौक बारह का आधा छह बस यही करना है पांच लास्ट नंबर था तो पांच चौक तीस का आधा पंद्रह यहाँ देखो लास्ट नंबर सात तक था तो सात के बाद आता है सात के बाद क्या आता है आप ये सोचो सात आठ छप्पन का आधा अट्ठाईस ठीक है तो ये चीज सीखनी पड़ेगी इसके अंदर मैंने ये बोला कि जब इसके साथ लाइन और अटैच हो तो आपने देखा यहां लास्ट नंबर पांच था तो पांच का था। तो का आधा था जितनी भी कंप्लीटली लाइन है आप उसको देखो कि दे रेखाएं कितनी पड़ी हुई है तो एक दो तीन तो पंद्रह थी पैंतालीस आंसर आ गया यहां पर एक और ये दो छेत्रीज रेखाएं थी तो चार वाले में कितना होता है दस तो दस दूनी कितना हो गया बीस हो गया ठीक है अलग अलग होगी तो अलग अलग काउंट करके लिख दो हो गया टाइप नंबर वन बाबू समय दो यार ठीक है मेरे में कमी निकालोगे ना तो मेरे में कमियां ही कमियां दिखेंगी ठीक है किसी इंसान को कितना भी अच्छा इंसान हो अगर आप उसमें कमियां निकालना चाहेंगे ना बाबू आपको हजार मिल जाएंगे क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं ठीक है ना और भाई मैं ना आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ ठीक है फ्री पढ़ा रहा हूँ और ये 21 दिन 21 मैराथन है मेरे भाई सुबह पाँच बजे रात को मैं दो दो बजे तीन तीन बजे सोता हूँ आपका कंटेंट बना के बाबू ठीक है और सुबह पाँच बजे से सात बजे तक साढ़े सात सात बजे तक पढ़ाता हूँ कोई मैं पागल थोड़ी ना कि रात को भी ना टाइम पे सो पा रहा हूँ ना सुबह सुबह मैं चार बजे उठता हूँ सुबह पाँच बजे पढ़ाने के लिए ठीक है तो मैं तो तीन घंटे भी पूरा नहीं सो पा रहा हूँ बेटा ठीक है और बाबू छोड़ो कोई बात नहीं ठीक है आ जाओ भाई जिसको मेरी मेहनत पसंद आए भाई सेशन को प्यार देना अपना और कुछ नहीं मांगूंगा आपसे आ जाओ ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको मेरे भाई कैसे करना है आओ इसको भी सीख लेते हैं आ जाओ तो क्या करना है नंबरिंग करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो छः धुनी बारह सिक्स जो भी लास्ट नंबर हो इसका डबल कर दीजिए तो छह धुनी इसके अंदर कितने ट्रैंगल्स है बारह इसमें देखिएगा कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लास्ट नंबर एट है तो एट इंटू टू आठ धुनी कितना होगा भैया सोलह इसके अंदर है क्लियर है कंप्लीटली समझ में आ रहा है यस yes, सर इसके अंदर बताओ चलो नेक्स्ट नंबर का बताओ नंबर चार को बताओ एक एक करिए कोई जल्दी बाजी मत कीजिए ठीक है जो मैं बोलता जाऊं आप उसको सीखते रहिए बस ये वाला टाइप आया इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है प्लीज बताए आ जाओ चलिए जल्दी से सभी यहां पर फोकस करें कविता जी क्या बात है स्वागत है आ जाओ शिवानी बताओ आंसर क्या होगा फटाफट से गुड्डा आओ कविता ध्यान से सुनो इधर आओ सभी देखो क्या करना है वन टू थ्री एंड फोर लास्ट नंबर चार है तो क्या करना है फोर इंटू टू चार दुनी आठ इसके अंदर तो वन टू थ्री फोर चार इसके तो चार दुनी आठ इसके अंदर तो आठ राट कितना हो चुका है आपके पास आठ राट हो चुका है अब तक सोलह सोलह हो चुका है क्या इसके अंदर सोलह ट्रायंगल है नहीं है सर क्यों क्योंकि क्या थे? थे. अभी आपने सिंगल के। देखो एक चीज़ बता एक समझना। इसमें पहले सिंगल होती है इसके अंदर क्या होते हैं ट्रैंगल के अंदर चार ही पोजिशन होती है ठीक है तो आपने पहले सिंगल सिंगल वाले काउंट किए चार दुनिया आठ इसके अंदर निकले चार दुनिया आठ इसके अंदर निकले तो आठ आठ सोलह आपने इसको लिख दिया डायरेक्ट सोलह आपने क्या लिखा आपने डायरेक्ट लिखा कि सर चार दुनिया तो सोल है सोलह हो चुका है पर आपने सिंगल सिंगल वाले ही तो काउंट थे, आप डबल डबल वाले काउंट करो इन दोनों को मिलाकर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है एक देखो ये रहा बिल्कुल ध्यान से देखो बिल्कुल ध्यान से बन रहा है नहीं बन रहा है हाँ सर बन रहा है बहुत अच्छे बन रहा है भैया यस सर बन रहा है ठीक है सेम इसी प्रकार से आप नीचे की तरफ देखिए नीचे की तरफ देखिए ये देखिए दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है देखो एक और बना हाँ सर तो एक नीचे से और एक ऊपर से कितने बने दो तो सोलह और दो कितना हो गया तो तो क्या करना है इसके इसके अंदर अंदर और कोई डायग्राम नहीं था तो इसके अंदर पहला ए, सिंगल सिंगल काउंट फिर डबल डबल अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो आप ट्रिपल ट्रिपल भी काउंट कर सकते हैं ठीक है अब इसके अंदर बताएं नंबर पांच के अंदर मुझे उम्मीद है कि आज कुछ नया ही सीख के जाओगे आप लोग चलिए प्लीज कमेंट करके बताएं इसके अंदर कितने होंगे इसके अंदर कितने होंगे चलिए जल्दी से बताएं कोशिश करें एक कोशिश एक कोशिश बस चलो मुझे उम्मीद है कि आप कंफर्टेबल फील करोगे चलिए भाई आंसर दीजिए पूरा फटाफट से चलिए आंसर कर दीजिए भाई चलिए Sir, 28. कैसे देखो मैं 28 है या नहीं मैं बता देता हूं सोलह आठती चौबीस तो चौबीस तो नॉर्मल तो 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 हो चुके हैं कौन गधा इस टाइम सुबह सुबह कॉल कर रहा हद होती है यार किसी चीज की अच्छा तो आठ आठ दून सोलह आठती चौबीस तो बाबू चौबीस तो आपके ये नॉर्मल ट्राइंगल हो गए ठीक है भाई फिर आपने देखा दो ट्राइंगल्स को मिलाकर याद रखना दो ट्राइंगल्स को मिलाकर दो नए ट्राइंगल्स का निर्माण होता है ठीक है जैसे इन दोनों को मिलाया तो दो बनेंगे इन दोनों को मिलाओगे तो दो बनेंगे देखो एक ऊपर की तरफ एक और एक नीचे की तरफ दो ठीक है एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ कितने बने दो ठीक है यहां से दो बनाए अब जब इन दोनों ट्राइंगल्स को मिलाएंगे तो भी दो बनेंगे देखो एक ये रहा एक और एक ये रहा कितने हो गए दो तो दो इधर से बने दो इधर से दो और दो कितना हो गया चार तो चौबीस और चार कितना होगा मेरे भैया अट्ठाईस ठीक है तो आपने क्या समझा समझ में आ गया ना तो मैंने बहुत प्यार से एक बात बताने का प्रयास किया कि आपको करना क्या है मित्र आपको करना क्या है आपको सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है कि जब भी दो नए ट्रायंगल्स का निर्माण हो तो वहां पर दो नए ट्रायंगल्स बनते हैं ओके आ जाओ ठीक है अगला क्वेश्चन लीजिए आ जाएगा अब हम निकलेंगे वर्ग निकालना सीखे नहीं अभी वर्ग निकालना नहीं सीखेंगे अभी हम ट्रायंगल को ही थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे ठीक है अभी ट्रायंगल को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग ठीक है चलिए जितने भी मेरे भाई मेरे बंधु बैठे हैं समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा ठीक है मेरे भाई जी सर चलिए इसका आंसर देंगे फटाफट चले आंसर दीजिए इसके अंदर कितने हैं अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझना है आप सबको चीज़ें सीखनी है ठीक है आ जाओ इसको छोड़ो अभी इसको छोड़ो क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना तो आप एक काम करो एक उसको मत करो उसको मत करो उसको मत करो आ, उसको मत करो अभी इसकी नेक्स्ट कंडीशन पे आने दो ये लो चलो अब करो करो चलो इसके अंदर बताओ उसको मत मैंने बोला उसको नहीं इसको बताओ इसके अंदर ठीक है आ जाओ अब इसकी ये नेक्स्ट कंडीशन है इसको जानेंगे आ जाओ तो हमने क्या सीख रखा है कि एक दो तीन चार तो चार दुनी आठ तो आपने क्या देखा आठ इसके अंदर एक दो तीन चार, चार, चार आठ इसके अंदर एक दो तीन चार आठ इसके अंदर एक दो तीन चार आठ इसके अंदर ठीक है तो कितने हो चुके हैं एक दो तीन चार तो आठ चौक बत्तीस आठ चौक बत्तीस ट्राइंगल आपके ये हो चुके हैं ठीक है अच्छा अज्जू कह रहे हैं। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई कहा मल्टीप्लाई करना है भाई कहा मल्टीप्लाई करना है कौन से में मल्टीप्लाई करना था मेरे भाई मैं मेरे भाई आ जाओ तुम बड़े भोले हो मेरे भाई इधर आ जाओ मैंने बहुत नॉर्मल सिखाया एक दो तीन चार चार था तो जितने भी लास्ट नंबर आए उसका डबल कर दो फोर इंटू टू चार दो नहीं आठ ठीक है तो मैंने आपको ये बात पहले ही बोलती थी इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो इस बार मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि चार का डबल आठ ही हो गया तो यहाँ भी आठ है इसमें भी आठ तो आठ तरीके टोटल कितने हो गए चौबीस ये हो चुके दो ट्राइंगल्स को मिलकर दो नए ट्रायंगल्स का निर्माण होता है एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल बना और एक नीचे की तरफ दो यहां बने इन दोनों को मिलाए तो भी दो बनेंगे एक इधर एक इधर दो तो दो और दो कितना हो गया चार हो गया तो चौबीस और चार अट्ठाईस हो गया ठीक है ओके मेरे भाई जी चलो आ जाओ आ जाओ चलो इसका आंसर बताओ मेरे भैया चलो करो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से इसका आंसर बताओ इसके अंदर कितने हैं निकी आ जाओ चलो प्रशांत चलो हेमा चलो जल्दी जल्दी आंसर दो जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट आ जाओ चलो भाई बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे कविता चलिए सुनील आ जाओ देखो एक दो तीन चार, तो चार दुनिया आठ इसके अंदर चौबीस आठ चौक बत्तीस ये का हो एक तो ये हो गया एक एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ तो कितने हो गए दो मैंने क्या बोलता पहले सिंगल सिंगल काउंट करो फिर डबल डबल फिर ट्रिपल ट्रिपल और फिर फोर्थ फोर्थ ठीक है तो आपने क्या देखा आपने क्या देखा प्यारे मित्र आपने देखा आपने क्या देखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को मिलाकर कितने बने दो नए ट्रायंगल इन दोनों को मिलाकर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कितने बने दो ऐसे यहाँ पर देखिए एक ऊपर की तरफ एक एक नीचे की तरफ कितने हो गए दो तो दो और दो कितने हो चुके हैं चार हो चुके हैं ठीक है इन दोनों को भी अगर मिलाओगे ऊपर नीचे एक ये बना और एक नीचे की तरफ कितने बने दो तो कितने बनेंगे आपने क्या देखा आपने देखा इन दोनों को मिलाने से भी दो बने इन दोनों से मिलाने से भी दो बने और इन दोनों को मिलाने से भी दो बने तो दो दो चार और दो छ तो छह ट्रायंगल ये हो चुके हैं अब आपने प्यारे बच्चा एक बात तो देखी कि सर हमने सिंगल सिंगल वाले काउंट कर दे डबल डबल वाले आप क्या करो ट्रिपल ट्रिपल वाले काउंट करो क्या ट्रिपल वाले हैं इसके अंदर बिल्कुल सर एक दो तीन इन तीनों ट्राइंग इन तीनों डायग्राम तीनो को लेकर एक और ट्राइंगल बन रहा है ये देखिएगा दिख रहा है यस या नो एक बार बताएं यस या नो हाँ सर तो कितने बने एक और इसके अंदर बन चुका है तो कितने हो चुके हैं बत्तीस और छ अड़तीस और कितना हो जाएगा प्यारे बच्चा उनतालीस बहुत ही अच्छे चलिए बापू का लड़ला लव यू सर लव यू मेरे भाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेरे दोस्त सुप्रभात विकास कुमार जी अरे मेरे भाई आ गए चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक है भाई आप आज बहुत लेट आ रहे हो आप लोग आज बहुत लेट हो इतना लेट क्यों आते हो भाई बहुत कुछ आप छोड़ जाओगे आप लोग ठीक है इसीलिए मैं बहुत प्यार से बेसिक से समझा रहा हूँ मेरे भाई आ जाओ इसका आंसर देंगे एक बार फटाफट से मेरे भाई इसका आंसर देने का कोशिश करिए इसके अंदर कितने हैं इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे साक्षी अब आप कहोगे सर वही तो है एक डायग्राम साइड से उठा के आपने वो बीच में लगा दिया तो उनतालीस ही होंगे इसके अंदर भी हो सकता है भाई पर आप कोशिश करो आप एक बार कोशिश करो देखते हैं क्या आंसर आता है कमेंट करो यार भर भर के कमेंट करो बोलो 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 निक्की किशमिश आर्मी प्रशांत ठीक है प्रशांत भैया कह रहे फिर से उनतालीस इसमें भी होंगे सर अच्छा ठीक है हाँ निक्की डेली नया टॉपिक चलेगा दोस्त डेली एक टॉपिक कंप्लीट आ जाओ सारे टाइप कराऊंगा परेशान नहीं होना आ जाओ देखो उनतालीस नहीं होगा बाबू उनतालीस अगर दे रहे हैं आप तो गलत हो क्यों सर आ जाओ देखो सही गलत का फैसला बाद की बात है पहले समझने की बात है पहले इसमें सिंगल सिंगल वाले काउंट करते हैं फिर डबल डबल वाले फिर ट्रिपल ट्रिपल वाले फिर फोर्थ फोर वाले ठीक है अलग अलग काउंट किया जाता है ठीक है मेरे भाई जी सर कैसे देखो एक दो तीन चार तो फोर इंटू टू चार दुनी आठ इसके अंदर एक दो तीन चार चार दुनी आठ इसके अंदर आठ इसके अंदर और एक दो तीन चार तो चार दो नहीं आठ इसके अंदर तो आठ चार बार था तो नॉर्मली आप समझ चुके हैं कि हो चुका है इसका मतलब आप सिंगल सिंगल वाले काउंट कर चुके हो अब आप डबल डबल वाले काउंट करोगे तो इन दोनों को मिलाकर कितने बनेंगे कि? दो नए ट्रैंगल्स का निर्माण होगा एक ऊपर की तरफ बना एक ये देखो बन रहा है दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है ऐसे नीचे की तरफ देखो ये देखो दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है तो दो बने जी सर दो बने ऐसे यहाँ देखो यहाँ देखो एक ऊपर की तरफ हाँ सर एक नीचे की तरफ दो बने हाँ सर दो बने ठीक है इससे भी दो बने ठीक है इन दोनों को मिलाओ एक देखो एक ये बना एक हाँ सर और एक ये देखो दो बने ना हाँ सर तो इन दोनों से भी कितने बने दो बने तो दो दो चार और दो बत्तीस और छ अड़तीस हो चुका है अड़तीस हो चुका है अब आपको तीन तीन वाले भी आपने काउंट कर लिए तीन तीन वाले अब देखो दो दो वाले हो गए अब तीन तीन वाले काउंट करो तीन तीन वाले आ जाओ तीन तीन वाले हैं क्या सर इसके अंदर बिल्कुल है आ जाओ तीन तीन वाले काउंट करते हैं आ जाओ देखो यहाँ ध्यान सुनना यहां से बिल्कुल सामने देखो बिल्कुल सामने देखो और यहाँ मिला दो एक दो तीन तीन डायग्राम से मिलकर एक ट्रायंगल बना यस या नो यस या नो हाँ सर बना ठीक है एक बनाइए रहा और ऐसे इधर से भी देखोगे एकदम सामने देखो ये देखो देखो एकदम तो एक दो तीन तीन डायग्राम से मिलकर एक और बना तो जो तीन तीन वाले थे जो तीन, तीन तीन वाले थे वो हमारे कितने बने तीन तीन वाले एक उधर एक इधर कितने बने दो बने अब आपने ट्रिपल ट्रिपल काउंट कर दिया आप फोर्थ फोर्थ वाले करो क्या सर इसके अंदर फोर्थ वाले हैं है या नहीं आपको बताओ हो भी सकते नहीं मैं ये नहीं कहता कि हैं ही आप खुद बताओ मुझे हैं क्या तो अभी तो बत्तीस और छः अड़तीस और अड़तीस और दो चालीस हो चुके हैं है इसके अंदर यस बता रहे हैं चलो तो होगा जरूर फिर तो इस पॉइंट को पकड़ लो अब इस पॉइंट से सीधा जाओ इधर और इस पॉइंट से सीधा जाओ इधर और ऊपर की लाइन को मिला दो तो आप देखो ये भी ट्रायंगल आ गया इसके अंदर ये भी ये भी ये भी तो चारों के चारों ट्रायंगल को यूज करके एक और नए ट्रायंगल्स का हमने निर्माण किया एक और नए ट्रायंगल्स का हमने निर्माण किया तो कितने बने प्यारे गुड्डा फोर्टी वन चलो बहुत गजब बहुत ही शानदार बहुत अच्छे ठीक है भाई चलो आगे बढ़ा जाए आ जाओ अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं ठीक है कुछ यहाँ पे प्रीमियम क्वेश्चन होते हैं उनको भी उन पर भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करना आप लोग है ना आ जाओ चलो जल्दी जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे ठीक है क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करूंगा ठीक है भाई रेडी है थम्सअप कर दीजिए जल्दी से आ जाओ एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन हम सब डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में आ जाओ इस क्वेश्चन को करिए एक बार फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी आज चलो आंसर एक बार जरूर देंगे इसके अंदर कितने ट्रायंगल है तो आप कहेंगे एक तो ये हो गया ये दो ये तीन और ये वाला चार तो इसके अंदर कितने हैं चार बताएंगे आप चार ही बताएंगे ठीक है एक दो तीन चार चार बताओगे इसके अंदर नहीं नहीं चार नहीं है दोस्त क्यों देखो सिंगल सिंगल काउंट करोगे एक दो तीन चार चार सिंगल छोटे छोटे हो गए और एक सबसे बड़े वाला तो क्या हो गया फोर प्लस वन कितना हो गया भैया फाइव यस ओके इसके अंदर बताओ चलो जल्दी से इशू निकी आजा प्रीति ज्योति हेमा किशमिश आ जाओ अजय आ जाओ इसके अंदर बताओ एक नई ट्रिक बताता हूँ फिर आज एक दो तीन ठीक है तीन ये हो गए छोटे छोटे छोड़ तीन तीन यहाँ पर हो गए ठीक है एक दो तीन ठीक है ये चार ये पाँच ये छः ये सात सात हो चुका है सात के बाद इसको आठ बोलोगे ठीक है इसको आठ बोलोगे इसको राधे राधे बोलोगे तो आप सही सही चीज़ बताओ इसके अंदर कितने होंगे तो एक चीज याद रखना जिंदगी में एक छोटी सी बेसिक सी बात बताता हूं आपको जो समय ना लगे आपको क्या ध्यान देना है यहां पर आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी एक ट्राइंगल ये अंदर देखो ट्राइंगल बन रहा है हाँ सर और जब भी किसी एक ट्राइंगल के तीनों कोने बाहर के ट्राइंगल के तीनों कोनों को छू लेंगे टच करेंगे एक दो तीन तीनों जगह टच कर रखा है बाहर की तरफ तो वहां पर चार नए ट्राइंगल्स का निर्माण करेगा और एक सबसे बड़ा वाला तो चार एक पांच हो गया तो आपने क्या देखा इस ट्राइंगल ने इस ट्राइंगल ने बाहर वाले के तीनों जगह छुआ तो चार बने इस वाले ने तीनों कोनों को छुआ यहां 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 भी यहाँ भी 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 तो भी चार बने ठीक है बात समझ में आ गई और एक सबसे बड़ा वाला तो चार चार आठ रेख कितना हो गया नौ अब कोई बच्चा कहेगा इसको तो डिफाइन करो सर डिफाइन करो क्या करो इसको इसको डिफाइन करो हम ऐसे नहीं मानेंगे हम क्या हम ऐसे नहीं मानेंगे उस वाले क्वेश्चन को डिफाइन करो मैं कह कर रहा हूँ बिल्कुल करूंगा बिल्कुल करूंगा ठीक है आप मुझे आंसर देने का बस प्रयास करते रहेंगे ठीक है मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा ठीक है आ जाओ अब देखो अब इसके अंदर बताना है तो देखो एक दो तीन ठीक है तीन यहाँ हो चुके ध्यान सुन लेना तीन यहाँ पर हो चुके थे हाँ सर तीन हो चुके थे एक दो तीन तीन ऐसे हो गए यहाँ देखो एक दो तीन तीन और तीन कितना हो गया छः हो चुका है ठीक है छः हो चुका है छह के बाद छ के बाद ये सात हो चुका है ये आठ हो चुका है पूरा और एक पूरा ये नौ हो चुका है तो नौ हो गए थे तो इतना घिचमिच करने की जरूरत तो नहीं पड़ी इसके अंदर बताओ इसके अंदर इतनी घिचमिच करने की जरूरत तो नहीं थी तो हमारा कंफर्टेबल अगर आप देख सकते हो तो सबसे आसान तरीका ये हो गया नो आपका आंसर आ चुका है पर क्या इससे भी आसान तरीका बना सकता हूं मैं क्या बोलो आप सबको अब जैसे इसके अंदर पूछ लिया इसके अंदर पूछ लिया आप क्या करेंगे अब इसके अंदर पूछ लिया अब एक आसान भाषा में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है आपको ये भी नहीं करना कि यहाँ पर इस इसने यहां पर तीनों जगह छुआ भी है नहीं छुआ हम क्यों देखे छुआ नहीं छुआ हम तो इससे भी आसान करेंगे बताओ सीखना चाहते हो मैं बताता हूँ इसके अंदर बताओ कितने हैं चलो इसके अंदर बताओ कितने हैं आ जाओ फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार कमेंट करके बताओ सीखना चाहते हो तो जल्दी से सीखना है आ जाओ देखो सिर्फ आप ये पता करना इसके अंदर कितना आंसर आप दे दो खुद ठीक है इसका आंसर क्या होगा आप खुद दे दो आ जाओ जितने भी बच्चे बैठे हो आज एक ट्रिक बता दे दो जिंदगी में भूलना मत जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए और आपका ट्रायंगल निकालने के लिए कहे तो आप एक काम करना बस ये पता कर लेना कितने ट्रायंगल दिए गए हैं तो आपने कहा विकास भैया एक ये हो गया एक ये दो और ये तीन कितने हैं तीन ट्रायंगल का यूज हुआ ना तो क्या करना तीन के बाद क्या आता है चार तो बस क्या करना आपको एक सीधा सा याद रखना कि जो भी जितने भी ट्रायंगल हो उसको चार से मल्टीपल करके माइनस तीन कर देना तो तीन चौका कितना हुआ बारह और बारह में से तीन गया नौ बचा समझ में आ रहा है अभी आप क्या कर रहे थे टच करने वाले क्वेश्चन आप कह रहे थे ये देखो इस ये सर अंदर वाला डायग्राम है इसने बाहर वाले को टच किया तो चार बने इसने बाहर वाले को टच किया तो आपने कहा सर चार बने फिर इस वाले ने बाहर वाले को टच किया तो चार बने और एक बड़ा वाला तो चार चार आठ चार बार चार चार आठ आठ चार बारह बारह एक तेरह आपने कहा तेरा होगा पर मैंने कहा क्यों टच करना किसी को ठीक है क्या पता बुरा मान जाए वो बेचारा ठीक है तो टच मत करो उसको डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो कितने ट्रायंगल थे एक अंदर वाला एक ये दो ये तीन ये चार चार ट्रायंगल थे तो फोर इंटू फोर चार चौक सोलह और सोलह में से तीन गया कितना बचेगा बारह तो इंटू फोर माइनस थ्री कैसा लगी ट्रिक बताओ इंटू फोर माइनस थ्री कैसी लगी ट्रिक मजा आया नहीं आया अरे वाह सर मजा आया ना इंटू फोर माइनस थ्री ठीक है जिंदगी में मत भूलना ठीक है बहुत प्यारी ट्रिक बताई इसके अंदर चाहे सत्तर डायग्राम घुसेड़ ना तो गलती मत कर देना ठीक है भैया हेमा जी नीतीश भैया मलेंद्र जी ज्योति बताओ ट्रिक कैसी लगी मजेदार थी ना तो कभी भी इसके अंदर का डायग्राम पूछे इसके अंदर अगर तीन और बना दूंगा ना तो आप क्या कहेंगे अभी तक आपने देखा चार ड्राइंग डायग्राम थे मैंने कहा ऐसे मैंने सात बना दिए कितने बना दिए मैंने इसके अंदर घुसते घुसते सात बना दिए सात डायग्राम तो टेंशन मत लेना सात चौक अट्ठाईस और अट्ठाइस अट्ठाइस में से तीन गया कितना बचेगा पच्चीस कितना आसान था हो गया ना आसान बस बहुत बढ़िया चलो जी अगला आंसर दो चलो इसके अंदर बताओ कितने ट्राइंगल है जल्दी बताओ आ जाओ इसके अंदर जल्दी बताओ सीखना है तो जल्दी बताना पड़ेगा बोलो अभी तो वर्ग निकालना सीखेंगे आयत निकालना सीखेंगे सब कुछ बहुत अच्छे से अब देखो हमने जब आपको ट्रैंगल निकालना सिखाया था तो मैंने कहा था इसमें क्या करते हैं एक और दो तो दो क्या बोलते हैं तीन बोलते हैं तो तीन डायग्राम इसके अंदर हो चुके हैं तीन इसके अंदर हो चुके हैं और तीन इसके अंदर हो चुके हैं तो तीन तीन छह तीन नौ कितने हो चुके हैं नौ ट्राइंगल हो चुके हैं अब एक छोटा वाला ये रहा और एक बड्डा वाला ये रहा तो कितना हो चुका है नौ और दो कितना हो चुका है ग्यारह ठीक है यस सर इसके अंदर बता देंगे बिल्कुल सर क्यों नहीं बताएंगे इसके अंदर बताओ जल्दी से सर अगर इसके अंदर सत्तर होंगे तब भी तीन, तीन ही माइनस करेंगे आप दिमाग नहीं लगा रहे हो बाबू आप बाबू भैया आप दिमाग नहीं लगा रहे हो आप दिमाग नहीं लगा रहे हो ट्रिक बनती कैसे पहले सोचा आप लोगों ने आपने सोचा ही नहीं ट्रिक वो क्यों बनी मैं बताता हूँ अब ध्यान ध्यान से से सुनना, बिल्कुल से सुनना, बिल्कुल क्योंकि मजा आना बहुत जरूरी है, है? ये सर। अब एक डायग्राम में पीछे ही लेता हूँ ठीक कैसे बनती है देखो जब मैंने आपसे बोला था सिखा रहा था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक जब एक अंदर का ट्रायंगल जब बाहर के तीन ट्रायंगल के बाहर के तीनों कोणों को टच करता है तो चार बनते हैं तो एक दो तीन चार चार बनते तो एक डायग्राम कितने का निर्माण करता है चार एक के अंदर अगर एक घुस गया तो कितने बनेंगे चार बनेंगे कितने बनेंगे चार पर सरफेस देखो कितनी होती है सरफेस कितनी होती है एक दो तीन एक ट्रायंगल में कितनी सरफेस तीन ठीक है तो कुछ इसके अंदर ऐसी सरफेस होंगी हम जो ज्यादा काउंट कर रहे हैं तो इसीलिए पर में से आप तीन घटा देंगे कैसा लगा मजा आया ना इसीलिए तो चार से मल्टीप्लाई करके तीन माइनस कर देते हैं तो ये हमने बहुत नॉर्मल वे में बना दिया कि अब जिंदगी में टेंशन नहीं होगी हम टेंशन लेने नहीं आए टेंशन जिंदगी में दुनिया को देने आए अब देखो ये क्वेश्चन आया तो तीन इसके अंदर तीन इसके अंदर तीन तीन छीन नौ नौ के बाद ये दस और दस के बाद ये ग्यारह कैसा लगा अब इसके अंदर बताना था तो आप कैसे करोगे आप नॉर्मल इसमें तो बोल दोगे एक दो तीन चार विकास भैया चार ये हो गए छोटे छोटे मैंने कहा ठीक है इसके अंदर तीन हो गए ठीक है एक और दो तीन एक और दो ये भी तीन ए कर दो ये भी तीन ठीक है तो तीन तीन छह तीन, तीन नौ नौ ये हो चुके हैं जी सर अब आपने देखा एक छोटा वाला ये रहा और एक बड्डा वाला ये रहा तो नौ और दो कितना ये भी ग्यार और इसके अंदर कितने हैं सोलह कितने देखो चार ये हो गए छोटे छोटे एक दो तीन चार चार छोटे छोटे ये आपने लिख दिए तीन तीन छह तीन नो, नौ नो ये लिख दिए और एक ये वाला और एक बड़ा वाला दो तो कितना हो गया नौ और चार नौ और चार तेरह और तेरह दो पंद्रह सॉरी पंद्रह कितना होगा नौ पंद्रह सॉरी भाई ठीक है आ जाओ सर मजा आ गया <laughs> थैंक यू मेरे भाई आ जाओ अभी तो मजा बहुत बाकी है मजा तो बहुत बाकी है इसका मजा दिखाओ इसके अंदर भी मैंने कुछ कंडीशन डाल दी अब इसके अंदर भी कंडीशन है तो देखो सीख जाओगे कितना भी बढ़ाओ देखो तीन इसके अंदर तीन इसके अंदर, तीन इसके अंदर। एक और दो तीन इसके अंदर तो तीन तीन छह तीन नौ नौ ये हो चुके हैं जी सर इसके बाद देखो इसके अंदर भी देख लो आ जाओ घुसो इसके अंदर भी घुस के देखो तीन ये रहे तीन यहां भी देखो तीन और यहां भी तीन तो तीन और तीन तीन नौ नो यहां भी हो गए ठीक है उसके बाद आपने क्या देखा एक विकास भैया छोटा वाला एक ये हो गया आ जाओ समझो एक छोटा वाला ये हो गया एक एक ये हो गया कितना हो गया दो और एक ये देखो कितना हो गया तीन तो कर दोगे नो और नो अट्ठारह अठारह तीन कितना होगा? इक्कीस क्या बात है बहुत गजब। क्लियर है? कोई बात नहीं गलती से सीखना ही बहुत बड़ी महानता होती है आ कह करी सर मैं डेली आती हूं फिर भी आपने ब्लूटिक क्यों हटा दिया बहू टिक मैंने इसलिए हटा दिया कि जिससे आप कंफर्टेबल फील करो अब आप, आप हर एक प्यारे बच्चे की तरह आप भी पढ़ पाओ है ना क्योंकि आप हाईलाइट रहोगे तो आप कुछ भी पढ़ाई के लिए कमेंट नहीं कर पाओगे बार बार ठीक है ना इसीलिए मैंने हटा दिया ठीक है अब आप और बच्चों की तरह कंफर्टेबल फील करोगे और अच्छे से क्लासेस को भी अटेंड कर पाओगे ठीक है ना इसीलिए चलो अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं अभी तक मैंने जब भी बच्चों को ये क्वेश्चन दिया है नाइन्टी परसेंट बच्चे गलत देते हैं नाइन्टी परसेंट बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं अब बताओ क्या ये क्वेश्चन गलत होने लायक है बताओ चालीस बच्चे बैठे हो अगर तुम एक एक अपने दोस्त को किसी को बुलाओ क्या तुम्हारे घर में कोई आपका छोटा भाई कोई बहन नहीं है आपका कोई दोस्त नहीं है क्या क्या पार्टनर नहीं है कोई तो ऐसा होगा ना एक एक बच्चे को भी बुलाओ तो कम से कम चालीस दुनिया अस्सी हो जाएंगे बाबू तो प्लीज थोड़ा साथ दिया करो यार मैं सुबह पाँच बजे उठ के तुम्हारे साथ मेहनत करता हूँ एक घंटा हो चु होने वाला है क्लास में फिर एक घंटा भी और पढ़ना है हमको एक क्लास में पूरा काउंटिंग फिगर हम खत्म कर देंगे

देखो। सभी ध्यान से सुनना भाई ठीक है देखो। देखो, मैंने आपके 21 दिन 21 मैराथन का पूरा प्लान बनाया है ठीक है तो इसमें क्या होगा आ, अभी बिल्कुल ध्यान सुन लेना क्योंकि ये जानना भी आप लोगों को बहुत जरूरी है इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अलग से उसको डाल दूंगा तो आप एक बार जरूर देख लेना ठीक है पर फिर भी सुन लीजिए इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन जो होगी हमारा सबसे पहले ब्लड रिलेशन चला है उसके बाद क्लॉक पढ़ा दिया हमने फिर हमारा कैलेंडर चला है उसके बाद हमने कल अल्फ़ाबेट पढ़ा था आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग फिगर पांचवा टॉपिक है इसके बाद जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लेना पता होगा किस दिन क्या चलेगा तो कल हमारा डिटेल में चलेगा कोडिंग डी ठीक है उसके बाद मैथामेटिकल ऑपरेशन फिर डायरेक्शन फिर मिसिंग नंबर उसके बाद स्लॉक्स न्याय निगमन कथन निष्कर्ष सिटिंग अरेंजमेंट उसके बाद फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट उसके बाद मैट्रिक्स चलेगा तेरहवें दिन मैट्रिक्स चौदहवें दिन इनिक्वलिटीज़ पंद्रहवें दिन क्लासिफिकेशन ठीक है वो विद डिटेल टाइप बाय टाइप सोलहवें दिन डिसीजन मेकिंग सत्रहवें दिन एथमेटिकल रीजनिंग अट्ठारहवें दिन पजल चलेंगी उन्नीसवें दिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षा आपकी चलेगी बीसवें दिन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और इक्कीसवें दिन रैंकिंग ठीक है तो ये हमारा इक्कीस दिन का प्लान है तो इक्कीस दिन के अंदर मैंने सिर्फ वो टॉपिक लिए हैं जो कि मस्ट हैं एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है मैं फालतू का कुछ भी ले लेता कि लॉजिकल सिक्वेंस वर्ड तो सबको लॉजिक लगाने आते कि चार वर्ड हैं कि डिक्शनरी के में रख दो कि क्या होगा तो वो तो नॉर्मल है मैंने सिर्फ वो टॉपिक लिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और आपके 21 दिन में आपका सिलेबस खत्म करा देगा ठीक है उसके बाद बचता है नॉर्मली लॉजिकल पार्ट तो जैसे ही खत्म होता है इसके बाद मैंने लिख भी रखा है उसके बाद चलाऊंगा सात दिन सात बार तो लॉजिकल रीजनिंग के आठ टॉपिक होते हैं ठीक है कितने होते हैं आठ टॉपिक पर मैं सात दिन में वो खत्म कर दूंगा ठीक है तो इसीलिए उसके तुरंत बाद मैं चलाऊंगा सात दिन सात बार यानी कि सात दिन सात मैराथन उसमें शायद वो तीन तीन घंटे का भी लेक्चर हो जाए ठीक है तो कोई बात नहीं है पर आपको कोशिश रहेगी आप पूरा साथ दें ठीक है तो मेरा ये मैं मानना है कि आपके बहुत सारे एग्जाम पास हैं और जल्दी एग्जाम होने वाले हैं तो ये मैराथन आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाली है तो मेरी मुहिम आपको अच्छी लग रही होगी मुझे उम्मीद है तो कल मैं प्लान ला दूंगा तो आप उसका स्क्रीन शॉट रख लेंगे कि कल आपका क्या टॉपिक होगा ये आपको पता रहेगा और डेली आप अपनी स्टोरी पर लगाया करेंगे कि विकास भैया का कल जो लेक्चर होने वाला है वो ये है ठीक है चलो और आपको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता भी रहे कि हमारा कल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग ठीक है आ जाओ चलो भाई अब इसका आंसर क्या आंसर तो आया आया सात होगा सर आठ होगा अच्छा इसका आंसर आप सात दे रहे हैं ठीक है आठ दे रहे हैं और कुछ आंसर आ रहा था क्या मैंने कुछ कमेंट नहीं पढ़ी और कुछ आंसर हो तो एक बार बता दीजिए सात आठ सात आठ और बताएं किसी का और कुछ भी आ रहा हो इससे अलग नंबर कोई जल्दी से निक्की जी नीतीश आ जाओ ज्योति रूपम और आप जितने भी दोस्त हो ना भाई और बच्चों की तरह मत किया करो है ना मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर पढ़ो तो जो भी बच्चे हैं ना कमेंट करने का पूरा प्रयास करा करो जितना ज्यादा कमेंट करोगे सीखने में उतना देखो जब हम ना जब किसी चीज में खुद लगते हैं देखो जब तक हम कहते हैं कि वो कसला चला रहा है अरे इससे बढ़िया तो मैं चला देता जब तुम चलाओगे ना उसका मजा अलग है तुम फास्ट कर रहे हो नहीं वो तुम्हें तब पता चलेगा ना ठीक है ना आओ अब समझना जितने भी दोस्त है आपने कहा सर इसके अंदर सात है इसके अंदर आठ है मैं समझाता हूँ इसके अंदर कितने हैं ठीक है आ जाओ बिल्कुल समझने का कोशिश करेंगे जितने भी दोस्त बैठे ठीक है क्योंकि सीखना सबसे बड़ी बात होती है ठीक है यस सर अब सबसे पहले आप एक देखो इसके अंदर नॉर्मल सिंगल सिंगल कितने ट्रैंगल्स थे एक कितने थे एक दो तीन बहुत सारे बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं पर ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्राइंगल नहीं है क्यों सर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है जिसके अंदर तीन कोने हो जिसके अंदर तीन कोने हो तो आपने देखा यहां देखो ना ये एक ट्राइंगल है

तो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहां था यहां से कितने बने दो बने इस वाली लाइन से भी चेक करते हैं आ जाओ इस वाली लाइन से चेक करते हैं आ जाओ ये देखो यहां से देखो एक ऊपर की तरफ एक ऊपर की तरफ एक और एक यहां से नीचे की तरफ दो तो इससे कितने बने दो तो दो और दो कितना हो चुका है चार ये हो चुका है चार ये हो चुका है ठीक है उसके बाद उसके बाद एक ही कंप्लीटली एक ही कंप्लीट ठीक है आ जाओ ये तो चार तीन सात और सात कितना होगा आठ तो जो भी भाई मेरे आठ बता रहे थे आंसर वो एकदम सही है इसके अंदर बताओ कितने इसके अंदर बताओ भाई कितने ट्रायंगल्स है खरगोश जी जल्दी से आ जाओ गुड्डू भैया को नहीं पता कोई बात नहीं गुड्डू भैया समझने से आएगा ना कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं टेंशन मत लो अब इधर आओ इसका आंसर तो पहले फटाफट चलो करो जल्दी से कविता सुनील प्रीति हर हर महादेव सर हर हर महादेव तनु जाओ सभी ध्यान से सुनना प्यारे गुड्डा अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितने ट्रायंगल है तो आप क्या करेंगे सबसे आसान भाषा समझिए सबसे आसान भाषा आप <coughs> आप सभी जानते हैं <coughs> जब हमारे सामने ये ट्रायंगल आता है तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर तीन है एक और दो और एक बड़ा वाला तीन तो तीन इसके इसके अंदर अंदर हो हो चुके हैं, ये देखो, देखो, कितने नो. नो हो चुके हैं? सर। उसके बाद नौ के बाद आप इस पूरी स्ट्रेट लाइन को देखिए आप पूरी स्ट्रेट लाइन को देखिए इससे एक लाइन बन एक लाइन की वजह से दो नए ट्राइंगल्स का निर्माण देखो एक इधर की तरफ और इसी लाइन से एक इधर की तरफ कितने बने इससे इससे बने दो इधर ठीक है और देखिए और देखिए ये लाइन है इससे देखिएगा एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ इससे भी कितने बने दो बने ठीक है सर और ये लाइन है हाँ सर ये लाइन है इससे देखो एक ऊपर की तरफ हाँ सर एक नीचे की तरफ हाँ कितने बने इससे भी दो तो कितनी लाइन से बने इस लाइन से दो बने इस लाइन से दो बने और इस वाली से भी दो तो दो चार दो, दो छोटे तो तो पंद्रह है? है, पंद्रे है नहीं सर एक बड़ा वाला तो पंद्रह अरे कितना होगा पंद्रह और एक कितना हो जाएगा सोलह तो नौ छः पंद्रह रे कितना हो चुका है सोलह इसके अंदर सोलह ट्राइंगल्स है कितने हैं मेरे भाई इसके अंदर सोलह ट्राइंगल्स बहुत गजब सा थी ठीक है आजा बहुत शानदार अब देखिए एक नया केस समझा देता हूँ जिंदगी में यहाँ पे हमेशा गलती होती है इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं इसमें बस जिंदगी में एक बात याद रखना पांच वाला है तो दस मारना छह वाला है तो आठ ठीक है स्टार के अंदर ठीक है जब भी जिंदगी में स्टार वाला क्वेश्चन आए तो इसके अंदर दो ही टाइप आज तक बने हैं पांच वाला है तो दस मारना छह वाला तो आठ अब देखो ये कितने वाला है एक दो तीन चार पाँच तो पांच वाले में कितना आंसर होगा आपका इसके अंदर आपका दस आंसर होगा बट सर दस कैसे होगा इसके अंदर आ जाओ मैं समझाता हूं तो आपने एक दो तीन चार पांच तो पांच जो काउंट किए हैं वो क्या है छोटे छोटे ट्राइंगल्स समझना पांच क्या थे छोटे छोटे ट्राइंगल्स थे ठीक है पांच क्या थे छोटे छोटे ट्राइंगल्स थे अब आपको बड़े बड़े भी तो काउंट करने पड़ेंगे हाँ सर तो बड़े बड़े कितने थे इस वाले पॉइंट से देखो एक ट्राइंगल बना या नहीं बना एक बन गया इस वाले पॉइंट से बताना एक ये बन गया आंसर दो हो गए इस वाले से बताना तीन हो गए इस वाले से बताएंगे चार हो गए किस वाले से देखना पांच हो गए तो कितने पॉइंट थे एक दो तीन चार पांच तो कितनी जगह से देखे थे आपने पांच तो आपके क्या हुआ पांच वो थे छोटे छोटे और पांच बड़े बड़े निकले तो पांच और पांच कितना हो गया दस तो कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना अब आप तो पांच वाले में आप कितने मारेंगे दस बताएंगे ठीक है पांच वाले में क्या बताएंगे दस मारेंगे और ये है इसका दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट है ठीक है ठीक ये इसका दूसरा पार्ट होता है स्टार का तो कभी इस प्रकार आएगा तो नॉर्मली काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ तो छोटे छोटे जब आपने काउंट किए तो कितने आए छ अब उसके बाद एक देखो ये वाला एक और एक ये वाला दो कोई सरफेस बची ही नहीं है तो छः और दो कितना बचा टोटल आठ हो गया तो बस ये दो पॉइंट याद रखना पांच वाला है तो दस मारना और छह वाला है तो आठ ओके यस सर बहुत गजब साथी एक नई ट्रिक के साथ फिर आ जाओ ये क्वेश्चन बहुत आते हैं देखे भी होंगे इनको कैसे हम डिस्कस करेंगे है ना चलो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा एक नॉर्मल ट्रिक बताता हूँ जिंदगी में ऐसे मत करना देखो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करने लगते हैं सर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ सर नौ हो गए हाँ सर नौ हो गए नौ के बाद सर ये दस हो चुका है ठीक है सर दस और ये ग्यारह हो चुका है ठीक है कितना हो चुका है ग्यारह हो चुका है ठीक है ग्यारह के बाद विकास भैया ये बारह हो चुका है और एक सबसे बड़ा वाला क्या हो गया तेहरा हो चुका है सर इसके अंदर तेरह है आप ऐसे अगर तेहरा बता रहे हो ना तो एग्ज़ाम में तो इससे बड़ा भी आएगा ना एग्ज़ाम में तो ये भी आएगा फिर क्या करोगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना तो आपको वो नहीं करना है आपको क्या करना है तरीका समझना है जो सर हमसे डायरेक्ट आंसर आ जाए है ना तो आपको ऐसे काउंट करना है एक दो तीन इधर से तीन था नीचे से देखो एक दो तीन इधर से देखो एक दो तीन सब बराबर है अगर अगर ऐसे बराबर हो तो तीन तक गया तो एक तो क्या करेंगे आप एक दो तीन इतना कर देंगे यस या नो हाँ सर तो एक को आप ऐसे ही लिख दो लिख दोगे अब ऐड करना शुरू करो एक और कर दो तीन और तीन और तीन तो ऐड कर दीजिए छः तीन नौ और एक दस दस हो चुका है अब एक ट्रिक याद रखना एक छोड़ो एक पकड़ो एक छोड़ो फिर एक पकड़ो तो हमारे पास नंबर क्या है तीन आया और फिर और कोई नहीं आया तो दस और तीन कितना हो गया तेरह कैसा लगा क्या किया फिर से समझा देता हूँ एक दो तीन लिखा ठीक है सर इस एक को ऐसे लिख दो तो एक और दो तीन ऐड करना शुरू करो एक और दो तीन तीन और तीन छः इन सबको ऐड किया दस एक छोड़ो एक पकड़ो एक छोड़ो एक पकड़ो ये प्रक्रिया यूज़ करनी है तो यहाँ तो तीन आ गया यहाँ पर कुछ नंबर था ही नहीं यहाँ जीरो है ठीक है भाई तो आप समझ गए यहाँ पर दस और तीन तेरह हो गया।, गया ओके डन यस सर तो अब मैं इसका एक बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ ये रहा अब इसका आंसर देखते हैं कौन दे पाएगा चेक करो पहले इसकी सरफेस कितनी है सतह एक बार साइड से हर तरफ से चेक करो फिर इसकी बड़ी पोजीशन और बताएंगे ठीक है इसकी नेक्स्ट पोजीशन भी लेंगे चलो एक बार बताएं एक बार बताएं इसके अंदर कितने होंगे चलिए इसके अंदर कितने होंगे प्लीज़ कमेंट और रेगुलर पांच बजे आओ देखो आप लोग बहुत लेट आओगे ना तो हर क्वेश्चन में एक नया टाइप सिखा रहा हूँ सुबह पांच बजे फिक्स आ जाओ कल से आपकी क्लास पांच बज के कल से आपकी क्लास ध्यान रखना पांच बज के पांच मिनट पे स्टार्ट हो जाया करेगी पता है क्या मैं सही चार बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे मेडिटेशन के लिए जाना पड़ता है ठीक है ना ठीक है तो आप जो भी बच्चे हैं आप भी आप चार बजे मत उठा करो तो साढ़े चार बजे उठा करो ठीक है साढ़े चार बजे उठ के आप मेडिटेशन करो देखो जिंदगी में हर चीज़ का इलाज क्या जैसे मैं थोड़ा बीमारी से ग्रसित रहता हूँ ठीक है ना तो मेरी डॉक्टर ने मुझे क्या बता रखा है कि आप मेडिटेशन किया करो तो मैं जैसे सुबह उठ के मेडिटेशन करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है ठीक है तो पहले आप आराम से पलोथी मार के बैठ जाइए ठीक है थोड़ा व्यायाम ठीक है थोड़ा सा क्या कीजिए कुछ इस प्रकार कीजिए जितना हो सके जितना ज़्यादा इससे क्या होगा सुबह के समय जो एनर्जी होती है ना ठीक है ना एक तो शुद्ध ऑक्सीजन होती है ठीक है और उसके साथ साथ जो भी प्राकृतिक जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके अंदर आती है ठीक है दूसरी चीज़ क्या होती है उसके बाद आप व्यायाम कीजिए आयो आलोम व्योम ये सब चीज़ें कीजिए जैसे आप उस एक नाक से एक साँस खेसते हैं दूसरे छोड़ते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप घर बैठ के करिए है ना अपनी छत पे चले जाइए ठीक है तो आप डेली लगभग पा दस से पंद्रह मिनट करें आप ज़्यादा भी मत करें इससे आपका क्या होगा मन शुद्ध रहेगा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप जो पढ़ोगे ना वो पढ़ा हुआ भी आपको याद होने लगेगा आप पूरे सात दिन लगातार करना ठीक है बाबू आप लोग सात दिन लगातार करना और आपको अंदर खुद आपको लगेगा कि मेरे अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ रही है ठीक है ना आप जो पढ़ोगे भी ना वो भी याद होगा ठीक है ना मेरी बात एक बार मान के सात दिन कर लेना ठीक है आजा फिर विकास भैया से मिलने आना कि विकास भैया सही कह रहे थे देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार हो गए आ जाओ तो हर जगह से नंबर क्या आ रहा है एक दो तीन चार तो एक दो तीन चार अब आज क्या हुआ आज मेरा जो तब था ना मेरा इसको तप ही बोलूँगा ना तो भंग करने के लिए जैसे ऐसे समझ में आ रहा था जैसे मैं एक वो देख रहा था कि कोई साधना कर रहा है तो जब भी मैं मेडिटेशन के लिए मैं पार्क में जाके बैठता हूँ करता हूँ लगभग एक घंटा आज किया है मैंने तो क्या हुआ मेरे सामने आके भाई पूरा ग्राउंड खाली है लड़कियाँ मेरे सामने आके बैठ के भाई ऐसे कर रही हैं ये लो ये लो मैंने कहा भाई पूरा जगह मतलब मेरा ध्यान हटाना चाह रहे मतलब तो मैं तो मैं भाई सख्त लौंडा एकदम ठीक है तो मैं तो भाई अपना ओ मैं तो भाई लगा रहा और तुरंत जैसे मैंने देखा पाँच बजने में पाँच मिनट है तुरंत तो वहाँ से भाग के आया और रास्ते में एक चाय ले ली और पीता हुआ यहाँ तक आ गया ठीक है ना तो भाई अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे देखिए अब आपने क्या देखा यहाँ पर एक था तो एक और दो कितना हो चुका है तीन हो चुका है वो तीन और तीन छः हो चुका है और छः और चार दस हो चुका है तो अब तक कितने नंबर आ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताओ आ जाओ दस और छह सोलह दस और छ सोलह सोलह तीन उन्नीस और उन्नीस अरे क्या हो गया बीस होगा उन्नीस अरे कितना हो चुका है बीस हो चुका है कितना हो चुका है मित्र बीस हमारा नंबर आ चुका है बीस अब देखो एक ट्रिक अगली क्या थी हमारी एक छोड़ो एक पकड़ो एक छोड़ो एक पकड़ो छ ये रहा एक ये रहा, ये रहा और छत हो गया बीस और सत्ताइस बीस और सात सत्ताईस हो गया आ जाओ हंस रहे हो सारे हंसने की बात नहीं सही बोल रहा हो अभी तो उन लोगों को ये नहीं पता मैं कौन हूँ ठीक है उनकी नज़रों में तो मैं ऐसे नॉर्मल जैसे लोग होते हैं जब उन्हें अगर ये पता चलेगा ना मैं भाई अरे मैं वन मिलियन वाला हूँ फट जाएंगे वे लोग <laughs> तो इसलिए भाई मैं नॉर्मल होके जाता हूँ एकदम ठीक है लोअर ओवर में जिससे कि कोई ये ना सोचे कुछ भी ठीक है ये कुछ है ये ईवंधा आ जाओ जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा ये हो गया ये वाला आपने नोट कर लिया ना ठीक है अब हम अगला स्टेप जानने वाले हैं ठीक है ओके चलो ए ये रहा, चलो इसके अंदर बताओ क्या होगा इसके अंदर कितने हैं चलो इसके अंदर बताओ कितने हैं जल्दी से इसके अंदर कितने हो गए बताओ बोलो जल्दी बताओ हंस रहे हो सारे हंसने की बात नहीं है आ जाओ देखो तीन इसके अंदर है तीन इसके अंदर तीन इसके अंदर तीन इसके अंदर तीन इसके अंदर तो तीन चौका बारह ये हो चुके हैं और एक दो तीन चार तो चार दुनी आठ ही होगा बारह आठ कितना हो चुका है बीस आ जाओ सर आप प्यारी वाली स्माइल कर दो प्लीज अच्छा ठीक है तो भाई आ जाओ तो पता क्या हुआ ऐसे हुआ कि लगभग जब मैं चार बज के तीस पैंतीस मिनट हो रही थी तो मेरे लोग मेरे सामने लोग आने लगे मेरे को थोड़ा वाइब तो आने लगी कि हाँ कोई यार सामने बैठा है तो मैं जब देख रहा हूँ कभी कोई आ रहा है कभी कोई सब आ रहे हैं ट्राई मार के जा रहे हैं ट्राई मार के जा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि भाई ये ये बंदा नहीं है ऐसा ये ये मतलब नहीं अपने काम में लगा हुआ है तो भाई सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं मैं भाई जल्दी से फुर्सत हो जाओ सब आ जाओ आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना है मेरे ब्रदर क्या होगा अब हमारा अगला टाइप क्या होने वाला है ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है कर चुके हो कर चुके हो ठीक है हाँ एक टाइप और सीखना है आप लोगों को ये रहा चलो इस टाइप को और सीखना है आप लोगों को चलो ये बहुत इम, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कराऊंगा ध्यान रखना ठीक है कुछ भी फालतू का नहीं मैं पढ़ाता कभी भी ये मेरी आदत है ठीक है आ जाओ और आप कहेंगे विकास भैया हाँ इम्पोर्टेंट है चलो इसके अंदर बताओ कितने ट्राइंगल हैं आ जाओ जाओ मनीष कह रहे हैं कि सर बाज का बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा भाई तितलियों के साथ ही तो उड़ा जाता है तुम झूठ बोल रहे हो अरे शायरों की बात मत सुनो कराओ ठीक है मैंने क्या बोला शायर अपने व्यू कमाने के लिए तुम्हारी तुम एक रील उनकी देख लोगे इस चक्कर में रहते हैं कोई फायदा नहीं है भाई तितलियों का साथ पकड़ना पड़ता है <laughs> झूठ बोला है किसी ने मैं नहीं मानता <laughs> इसका आंसर दो चलो मैं कल ही पकड़ लूँ तितली खात और बताओ अगर ये बात मुझे झूठ साबित करनी हुई तो आ जाओ इसका आंसर दो <laughs> आ जाओ अरे बाज कौन है भाई तुम बाज मान रहे हो अपने आप को है कौन मान रहा है भाई बाज जो कहानी जिसने लाइन बोली है ना वो भी अगर सोच रहा है ना कि मैं बाज की तरह तो उड़ रहा हूँ तो भाई याद रखो कौवे हो तुम <laughs> बात समझ रहे हो <laughs> इधर देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में आए कोई बाज नहीं है कोई तितली नहीं है भाई मैंने क्या बोला ये सिर्फ रील की दुनिया है रील की ठीक <laughs> है याद रखो अपने आप को बात समझते हैं यार देख रहे हो है बिलिगेट्स हो रहे हैं सारे <laughs> अंबानी <laughs> आओ इधर आओ क्वेश्चन देखें आओ सारे तैयार हो जाओ बढ़िया से कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना चलो आंसर देखते हैं क्या होगा सभी बताना एकदम बढ़िया से चक आओ एक बढ़िया सी ट्रिक बताते हैं <laughs> आ जा प्रशांत अब इधर देखो एक सबसे आसान तरीका समझाएंगे हम जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी आपसे ठीक है समझाएं बोलो हाँ या ना बोलो हाँ सर ठीक है जिंदगी में कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो एक बहुत एक सही वे होता है क्वेश्चन को करने का ठीक है आपने देखा हमारे पास सिर्फ कितने पॉइंट थे दो पॉइंट थे समझना भाई क्वेश्चन पहले डायग्राम बनाओ अपनी अपनी कॉपी कॉपी में में इस इस डायग्राम डायग्राम को को बना लो पहले बनाओ फटाफट से बना लिया सर इसके अंदर आठ हो गए नौ हो गए देखो कोई जल्दीबाजी नहीं करना है मैं आपको एक बहुत अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका कंसेप्ट सी O -N -C -E -P -T. इसको बोलते हैं प्यारे बच्चा कंसेप्ट सबसे पहले कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा ठीक है और ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसको कहेंगे जादूगर वाली ट्रिक जादूगर रीजनिंग बाबा जादूगर नहीं है पर जादू सिखाएगा आजा इसको देखो अब देखो हम लेके चलते हैं तुम्हें ट्रायंगल की दुनिया में ठीक है ट्रायंगल की दुनिया में आपने देखा एक दो इधर से देखो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट कितने हैं एक तो यहां से लाइन ड्रॉ हो रही है और एक ऊपर से तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दो है ठीक है तीन तो 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 हो चुका है छह आ चुका है ठीक है? है, है? तो है, है? है अब ऊपर से भी काउंट करेंगे ठीक है ऊपर से काउंट करेंगे तो एक दो और एक और दो तो दो एक कितना हो चुका है तीन और दो और एक कितना हो चुका है तीन तो तीन और तीन छह ये हो चुका है छ ये हो चुका है उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद अब और छः कितना हो चुका है बारह तो हो चुका है बारह हो चुका है पर बारह में से कितना घटाना है आपको भाई छह और छः कितना हो चुका है बारह हो चुका है यस सर अब बारह में बारह तो नहीं है इसके अंदर तो आपके जो भी ऐसे पॉइंट थे जो दो दो बार काउंट हो गए उनको घटाओ एक ये दो दो बार काउंट हो गया एक ये और एक ये एक ये यानी जितने भी आपके खाली पॉइंट बचे हुए हैं जिनको काउंट नहीं किया गया उनको आप घटा दो तो एक और दो तीन तो बारह में से चार का कितना बचा? तो कितने है? है। कितने है? कि तुम्हें वो करना नहीं पड़ेगा समझना अब कोई बच्चा सोचे ट्रिक बता दो मैं बता दूंगा आप बताओ इसमें लास्ट नंबर क्या था इधर से अगर जा रहे हो तो एक और दो इधर से भी लास्ट नंबर दो था इधर से भी लास्ट नंबर क्या था दो था ना भाई मैंने इधर से जब काउंट किया तो एक और दो आया इधर से किया तो एक कर दो तो इधर भी लास्ट नंबर दो इधर भी दो जब दोनों तरफ बराबर आए ना तो दो का घन कर दीजिए जो भी लास्ट नंबर हो उसका घन कर दो, दो का घन क्या होता है आठ क्या सही आंसर आया एकदम बराबर आंसर आया पर आप जानते हो मैंने ये क्यों समझाया क्योंकि ये तो तब फॉलो होगा ना जब दो इधर से भी दो इधर से भी और अगर इधर से तीन इधर से चार हो इधर से दो ऊपर से तीन दे दे तब हमें क्या करना पड़ेगा तब वो ट्रिक समझनी पड़ेगी इसीलिए दोनों बहुत जरूरी है समझ रहे हो ना बाबू भैया हाँ सर बात तो आपने एकदम बढ़िया बोल दी बात आपने एकदम बढ़िया बोल दी अच्छा बैटरी बंद हो गई ओके 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 सॉरी ध्यान नहीं दिया मेरे भाई कोई बात नहीं अभी चेंज कर देता हूँ बैटरियों का तो भंडार है यार लो यार थोड़ा सा इत, इस चीज़ को आप फेस करते हो उसके लिए सॉरी क्योंकि भाई गरीब आदमी हूँ और गरीब कैमरा है बार बार बैटरी बदलनी पड़ती है मेरे भाई ठीक है उसके लिए माफी चाहूंगा गरीबी है पर कंटेंट में गरीबी नहीं लाने दूंगा भाई ठीक है इतना ज़रूर कहूँगा ठीक है आपके पढ़ाने में कमी नहीं होने दूंगा ये मैं वादा करता हूँ ठीक है पैसा नहीं है पास में तो भाई कैमरा नहीं ले सकता तो वैसे ही छोटा मोटा कैमरा ले रखा है भाई ने चलो आ जाओ अब ये अगर ट्रिक सीख गए हो तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर अप्लाई करके आप देखिए लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है चलो चलो एक दिन इतना पैसा भी आ जाएगा कि हम कैमरा भी ले लेंगे है ना कोई बात नहीं आ जाओ जल्दी से चलो इसका आंसर देंगे फटाफट सर अब समझा दो क्यों बैटरी काफी टाइम से बनती क्या अच्छा बैटरी काफी टाइम पहले बनती ओके okay, सॉरी भाई मैंने मुझे दिख नहीं पाया था चलो अच्छा दोबारा बता दूँ दोबारा बता दूँ ओके okay, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ देखो दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला एक कंसेप्ट होता है और एक ट्रिक होता है ठीक है तो मैंने क्या बोला आप जब भी दो भी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट दो थे एक ये था और एक ये था तो सबसे पहले नंबरिंग करते ये वाला क्वेश्चन थोड़ी ना था ये नहीं था ये रहा ये रहा सॉरी ये रहा आ जाओ तो मैंने इसके ऊपर बता रहा था तो हमने क्या देखा हमने लाइन देखी तो यहां से देखा एक और दो और एक और दो तो दो और एक कितना होगा इन दोनों को आपस में ऐड करो दो और एक, तीन हो गया, दो और 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 एक एक तीन 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 हो 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 गया गया इधर हुआ तो तीन और तीन कितना छह चुका है अब ऊपर से स्टार्ट देखो हमें ये देखना है कहां से लाइन ड्रॉ हो रही है एक इधर से हो रही थी ऊपर से ऊपर से देखा तो एक और दो यहाँ पर भी दो और एक और दो यहाँ पर भी दो तो दो और एक तीन यहां पर होगा तीन यहाँ पर तो तीन और तीन कितना हो गया छह ये हो चुका है तो छह और छह बारह हो चुके थे परंतु हमें कुछ ऐसे डॉट होते हैं जो कि हमारे दो दो बार काउंट हो जाते हैं जैसे कितने थे एक दो तीन चार तो हमने चार माइनस कर दिया हमारा आंसर आ गया आठ ठीक है पर एक सही तरीका मैंने क्या बताया कि अगर एग्जाम में कम समय के अंदर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है लास्ट नंबर जो भी है उसका घन कर दीजिए तो दो का घन क्या होगा दो दुनी चार दुनी आठ पर ये मैंने क्यों बताया जब इतना इजी क्वेश्चन है पर जब सर इतना इजी क्वेश्चन है तो आपने ये कैसे बताया आजा अच्छा सर आपके पास फ्यूचर में कम से कम पचास स्टूडियो आपके खुद के होंगे नहीं होंगे कभी नहीं होंगे मेरे भाई कभी नहीं ठीक है मनीष भाई आपने आ, बात अच्छी कही मेरे लिए पर पचास स्टूडियो हमारे कभी नहीं होंगे मैं चाहूँगा भी नहीं क्योंकि पचास स्टूडियो या हज़ार स्टूडियो बनाने वाला एक वही प्लेटफॉर्म होगा जो ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे होता है हम लोग नहीं हैं हमारे पास एक स्टूडियो है यही देख लो ठीक है यही चल रहा है ठीक है बस भगवान से दुआ करता हूँ कि ये कभी ख़राब ना हो यार फिर हमें वाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो इसका एक वर्जन उड़ चुका है ठीक है परसों उड़ गया है तो बड़ा दुख हो रहा है जो हम नोट पे पढ़ाते थे वो उड़ गया है अब एक बचा है एंड्रॉयड वाला तो भगवान करे कोई दिक्कत ना हो भाई क्योंकि कैमरा भी पुराना है और ये भी बहुत साल पुराना हो चुका है ठीक है ना तो बस आप से लोगों से कभी अगर दिक्कत हुई तो भाई साथ दीजिएगा और वैसे भगवान करे कुछ दिक्कत ना हो बाबू आ जाओ भाई तो क्वेश्चन देखो हम ये है कि अगर हाँ बाई चांस अगर थोड़ा बहुत इतना हुआ कि हम दो तीन स्टूडियो बना लेंगे जिससे कि एमरजेंसी में कोई दिक्कत ना हो ठीक है इतना कर लेंगे पर आपका साथ देंगे टेंशन ना लीजिए भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे ब्रदर इसका आंसर देखते हैं इसका क्या होगा चलो जो तरीका सीखा है ना आप लोगों ने अभी अप्लाई करके बताओ मुझे चलो अप्लाई करके बताओ पर इस बात का ध्यान रखना मैंने कंसेप्ट इसीलिए बताया क्योंकि ट्रिक वहां लगेगी इधर से भी दो है इधर से भी दो है तब आप फॉलो कर पाए जब दोनों तरफ से बराबर लास्ट नंबर बराबर आएगा तभी वो ट्रिक फॉलो होगी जैसे यहां देखो इसमें आप देखो एक दो तीन अब इधर से एक और दो इसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी इसमें ट्रिक नहीं लग पाएगी क्योंकि इधर से तीन आ रहा है इधर से दो अगर दोनों तीन तीन होते तब आप फॉलो कर देते तब दोनों तरफ से तीन तीन होते तो तीन तीन होती सत्ताईस इसके अंदर सत्ताईस आ जाते ठीक है अब इसके अंदर बताओ कितने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमारा क्या चलेगा यहाँ पर कंसेप्ट इसीलिए कहते हैं कि हर चीज सीखनी चाहिए इंसान को है ना आ जाओ तो यहां से देखोगे एक दो तीन तो काउंट कर दोगे बिल्कुल तीन दो पांच छ यहां पर छ हो चुका है और एक दो तीन तो छह यहाँ पर भी तो च्छे और च्छे कितने, कितने हो चुके हैं मित्र हमारे बारह हो चुके हैं ठीक है अब ऊपर से काउंट करो अब ऊपर से काउंट कर लो कर लोगे बिल्कुल लो ग दो तो तो दो और एक तीन इसके अंदर एक और दो तो दो और एक तीन इसके अंदर एक, तो एक, एक और दो दो और एक तीन इसके अंदर तो तीन तीन छ तीन नौ नो ये हो चुका है तो बारह नो कितना हो चुका है इक्कीस हो चुका है कितनी डॉट ऐसी डबल डबल काउंट हुई एक दो तीन चार पांच और तो 21 में से घटा दो, दो कितना बचेगा पंद्रह इसके अंदर एक दो तीन तीन का मतलब तीन दो पांच छह छह और छह कितने हो चुके हैं बारह इधर से कितना हो? दो और एक तीन दो और एक तीन दो और एक तीन 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 छह तीन नो बारह नो कितना हो चुका है बारह नो इक्कीस और इक्कीस में कितने घटाने दो डॉट दो डॉट दो तो दो दो चार दो छ तो इक्कीस में से छह घटाएंगे तो बारह कैसे बच जाएगा पंद्रह बचेगा ना आप कैसा कौन सा मैथ लगा रहे हो आप लोग सर बोर्ड साइन कर रहा है अरे वो येलो कलर में लिख रहा है इसलिए नहीं दिखा आप लोगों को ठीक है पर थोड़ा बहुत तो चमक रहा है इसीलिए मैंने नहीं लिखा इसके ऊपर लो यही क्वेश्चन था ठीक है आ जाओ गौतम भाई चलेगा चलेगा आ जाओ अब इसकी अगर आप ट्रिक को सीख चुके हो अगर ट्रिक को सीख चुके हो तो यहाँ पर अप्लाई करके बताओ यहाँ पर अप्लाई करके बताओ अगर ट्रिक सीख चुके हो मैंने क्या बोला हर टाइप को इतना कंठस्थ कर दो बहुत मजबूत कर दो ठीक है इस क्वेश्चन को देखो कितने प्यार से कर सकते हो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आंसर सही आए सबका चलिए खरगोश जी गुड्डू जी प्रीति अजय ज्योति साक्षी कविता विमलेश बताओ इसका आंसर दो आ जाओ इसके अंदर देखो इधर से एक देखो पहले इस डायग्राम के ऊपर फिल कर देता हूं आ जाओ लाइन आ जाओ हम्म करना क्या है देखो यहाँ से काउंट करोगे तो एक दो तीन तीन दो पांच पाँच छह इसके अंदर एक दो तीन तीन दो पांच पाँच छह इसके अंदर एक दो तीन तो छह इसके अंदर तो छह छह बारह छह अट्ठारह ये हो गया इसके बाद इसके बाद आपने क्या देखा इसके बाद आपने क्या देखा यहां से देखोगे तो एक दो तीन एक दो तीन और एक दो और तीन तो तीन दो पाँच रिक छः तीन दो पाँच रिक छः तीन दो पाँच रिक छः छः और छः तो यहाँ पर भी कितना हो गया अट्ठारह ठीक है तो अट्ठारह अट्ठारह छत्तीस हो चुका है छत्तीस हो चुका है ठीक है अब कितने डॉट थे डॉट देखिए एक दो तीन तो तीन यहाँ पर तीन तीन छः और तीन नौ तो छत्तीस में से आप नौ घटा दीजिए छत्तीस में से नौ गया कितना बचेगा सत्ताईस बचेगा पर मेरी अमेजिंग ट्रिक याद है यस सर लास्ट नंबर इधर से भी तीन पड़ रहा था और इधर से भी तीन पड़ रहा था तो तीन का घन कर दीजिए तीन तौती सत्ताईस हो गया ठीक है आ जाओ मानिक जी मनीष अच्छा मनीष कह रहे हैं सर मैं आज बहुत लेट हूँ भाई अब मैं क्या कहूँ ठीक है अब आप अब जितने बच्चे बैठे उन्हें ही पता है तुमने कितना छोड़ दिया है तुम्हें कितना सीखना था तुम कितना छोड़ चुके हो ठीक है इस बात को मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता ठीक है तो इसी हिसाब से अब आप सब बच्चे सोच लो कि जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं उन्होंने कितनी चीज छोड़ दी है उनको कितना चीज सीखना रह गया तो इसीलिए क्लास के स्टार्टिंग में आया करते हैं जिससे कि एक भी टाइप ना बचे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हमें नहीं आता हो ठीक है आ जाओ इधर से देखेंगे इसमें बताएं कितने होंगे इसके अंदर चलिए आ जाओ आ जाओ लो साइनिंग हटा देंगे बाबू टेंशन क्यों लेते हो इसका मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया ना इसीलिए थोड़ा ये पहले डार्क कलर था ना इसीलिए चलो आ जाओ अब आंसर दो चलो अब बता दोगे बिल्कुल बस इतना काम करना एक दो तीन चार इधर से एक बार चेक कर लिया करो चार एक बार ऊपर से कर लिया करो एक दो तीन और चार तो चार और चार सेम बैठ रहा है हाँ तो चार का घन कर दो चार चौक सोलह चौक का बस इतना करना है ठीक है जी सर चलो ये वाला टाइप भी हो गया अब अब हम करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट चलो जी बहुत सीख लिया ये वाला अब हम ट्रायंगल को ख़त्म कर चुके हैं अब हमारा अगला आ गया ट्रायंगल के बाद कौन सा वर्ग निकालना सीखेंगे चलिए ट्रायंगल के बाद अगला टाइप नंबर टू डाल लीजिए वर्ग निकालना सीखिए ठीक है वर्ग निकालना सीखेंगे तैयार हो भाई इसके लिए भी एक बार जल्दी से थम्सअप करो एक बार जल्दी से थम्सअप करो और सेशन में देखते हैं लाइक कितने हैं लाइक कम तो नहीं है क्या लाइक पूरे हैं या कम है एक बार बताओ लाइक पूरे हैं या कम है अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो भाई मार खाओगे ध्यान रखना लाइक कर दिया करो ठीक है शशन को अपना थोड़ा बहुत प्यार दे दिया करो भाई अच्छा लगता है जीवन का हर सपना सच्चा लगता है बहुत बहुत धन्यवाद जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ये आपके लिए बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा साथ देते हो ठीक है और मुझे ये भी लगता हुआ लगता है कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगती है ये भी थोड़ा बताया करो ठीक है मेरे भाई चलो सो so, स्टार्ट किया जाए लेट्स स्टार्ट ओके तो तैयार है ना सब लोग यस सर आ जाओ तो जल्दी से अपनी अपनी पेमेंट कर दो छोटी छोटी जो भी है ठीक है इतनी सी प्यारी सी पेमेंट है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं भाई आ जाओ अब क्या करते हैं जब भी हमारे सामने वर्ग निकालने की बात होगी तो हमें क्या करना होता है हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा नॉर्मल एक ये दो ये तीन ये चार कितने हो चुके हैं चार हमारे क्या हो चुके हैं वर्ग ये हो चुके हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनना ठीक है हाँ सर और चार के बाद ये क्या है एक बड़ा वाला पांच एक इस प्रकार डायग्राम के अंदर कितने होते हैं पांच होते हैं पर क्या एक सही वे है ये तनु क्या एक सही वे है बोलो नहीं सर आ जाओ आ जाओ अब देखते हैं इसका सही तरीका क्या है सर सही तरीका बताओ सही तरीका वर्ग निकालने का है नंबरिंग वन टू एंड वन एंड टू बस क्या करना है आपको पता होना चाहिए हमारा अंतिम अक्षर क्या है तीन और सॉरी दो और यहाँ भी दो तो क्या करना है टू इन टू और बस इसको एक बार लास्ट नंबर देखने के बाद छोड़ दो कि क्या चित्र था माइंड से स्किप कर दो बस आपको एक एक घटाते जाना है तो दो दुनी चार और एक ही का तो चार रे कितना हो चुका है पांच ठीक है इसमें भी सेम काम करना है एक दो तीन एक दो तीन लास्ट नंबर यहां भी तीन यहां भी तीन तो क्या करना है ऊपर भूल जाओ नंबर याद है ना हाँ सब तीन और तीन बस अब घटाते चले जाओ तीन नौ अब एक नंबर फिर घटाओ ठीक है दो दुनिया चार और एक ही कम एक हो गया तो नौ चार तेहरा अरे कितना हो चुका है चौदह हो चुका है कितने इसके अंदर चौदह हो चुके हैं पर विकास भैया एक बात बताओ मैंने कहा क्या बोलो कि अगर विकास भैया यहां पर एक बढ़ा दिया जाए एक रो देखो इसको क्या बोलते हैं बाबू रो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कॉलम पहले पता रखो ठीक है इसको क्या बोलते हैं रो बोलते हैं ऊपर वाली को रो बोलते हैं और नीचे वाली को कॉलम बोलते हैं ठीक है भैया यस सर अब हमें यहाँ पर रो कॉलम के हिसाब से नहीं पढ़ना है हमें बस पता होना चाहिए कि, कि कंडीशन क्या है भाई ठीक है अब इसके अंदर क्या करेंगे आपको तरीका बताया ना मैंने तरीका क्या बोला नंबरिंग करो एक दो तीन चार एक दो तीन तो क्या करना है लास्ट नंबर यहाँ तीन है ठीक है सर और यहां लास्ट नंबर क्या है चार है ठीक है सर तो अब ऊपर भूल जाओ एक तीन एक घटाते चलेंगे एक-एक घटाते चले जाओ तीन दुनी छ हो गया एक दुनी दो हो गया और जहां पर भी एक आए चाहे इधर चाहे उधर वहीं पे स्टॉप कर दो तीन चौक बारह ठीक है चार तीन दो और तीन दो एक तो तीन दुनी छह और दो एक दो कितना हुआ छह दो आठ दो दस का जीरो और एक और एक है. है है. है? है? कर दू इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने ये कर दिया इसी क्वेश्चन के मैंने अंदर क्या कर दिया ये बना दिया है अब जितने भी दोस्त बैठे हो ना मुझे आंसर करो चलो जितने भी दोस्त बैठे हो तो नंबरिंग कर दो नंबरिंग करो जल्दी से एक दो तीन चार पाँच छ और सात इधर लास्ट नंबर क्या है सात और इधर लास्ट नंबर क्या है चार है तो क्या पहले क्या था सात उधर क्या था चार तो ऊपर डायग्राम से मतलब नहीं है सात चौक अट्ठाईस अब एक घटाओ सात से पहले क्या आता है छे तो सिक्स इंटू थ्री छतिया अठारह पांच दूनी दस और चार चार जहां पर एक आए वहीं पे स्टॉप चार एकम चार ठीक है यस सर आ जाओ तो आठ आठ सोलह चार बीस ठीक है बीस का दो कह रही दो और दो चार पांच और एक छह कितना हो चुका है साठ किस किस का साठ आया भाई बताओ समझ में आया ठीक है बहुत गजब बहुत शानदार चलो बहुत शानदार इतना समझ गए हो ठीक है चलो आओ अब कभी कभी क्या होता है जो हमारे डायग्राम होते हैं जो हमारे क्या होते हैं जो हमारे डायग्राम होते हैं इसके अंदर भी डायग्राम दे देता है अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कोई बात नहीं निक्की इधर आओ आप सबसे पहले एक नॉर्मल कंसेप्ट होता है बट कभी कभी उनके अंदर भी क्या हो जाता है हमारे ऐसे डायग्राम दे देता है हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं विकास भैया है कि हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं है बट हम क्या करें तो भाई पहले एक चीज़ सुनो जो भी बच्चे बैठे आज हमारा पांचवा लेक्चर है ठीक है डे फाइव है 21 दिन 21 मैराथन का अगर इसके पहले जो चार लेक्चर हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं पहला ब्लड रिलेशन है दूसरा क्लॉक फिर कैलेंडर फिर अल्फाबेट तो जाकर इनको एक बार रीड कर लेना प्लेलिस्ट लिस्ट मिलेगी जो आपकी कमेंट चल रही है उसके ऊपर 21 दिन 21 मैराथन है उसको सेव कर लेना प्ले को एक एक लेक्चर देख लेना ठीक है ना सबको समझ में आ जाएगा ठीक है भाई आ जाओ खरगोश जी सर अब दिन में ले लेना अभी पढ़ा नहीं जा रहा खरगोश जी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस क्लास इस वजह से मैं क्लास को नहीं छोड़ सकता मेरे भाई मेरा टारगेट है इक्कीस दिन का और इक्कीस दिन सुबह पाँच बजे उठ ही पढ़ाऊँगा मेरे भाई आपको पढ़ना है तो अच्छी बात है आपको बाद में देखना है तो भी अच्छी बात है मैं आपको नहीं मना करूंगा ये आपके रूटीन में होना चाहिए कि जितने बढ़िया कंसेप्ट चल रहे हैं अगर आपको इसमें भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इतना तो प्यार से पढ़ा रहा हूँ देखो चिल्ला नहीं सकता मॉर्निंग का टाइम है सब लोग सो रहे हैं ठीक है ना और आप लोग भी मॉर्निंग में प्यारी सी आवाज़ सुनना चाहते हो ऐसा नहीं कि चिल्ला के कोई भी पढ़ा रहा है वो नहीं देखोगे दिन में तो चलो चलता है सुबह सुबह तो नहीं चल पाएगा ना इसीलिए तो भाई जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश और बाकी आपके वो है ठीक है कोई बात नहीं भाई आ जाओ अब देखो इसमें आप समझ चुके हो एक और दो और एक दो दो दूरी चार और एक ही कम इसके अंदर कितने थे पांच है इसके अंदर कितने थे भाई इसके अंदर कितने थे इसके अंदर पांच है ठीक है बट इसके अंदर कितने होंगे नंबर दो के अंदर एक एक बताओ एक एक इसके अंदर एक दो तीन एक दो तीन तो तीन तिया नौ दो चार, और एक ही तो नौ चार तेहरा और एक चौदह होगा ठीक है इसमें देखो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पाँच तो पाँच पंजे पच्चीस चार चौका सोलह तीन तिहाई नौ दो दुनी, चार एक, एक एक तो देखो और पांच, कर लो इनको ऐड करो आ जाओ देखो तो और पांच कितना हो चुका है बाबू अरे भैया क्या गया कहाँ गया ये रहा तो देखो अब इन सब को आपस में ऐड करना है तो कर दे आ जाओ कर देते अरे हट जाओ मेरे बाबू हटो हटा आ गया चलो तो छह ग्यारह नो बीस 6 5 ग्यारह ग्यारह नो बीस ग्यारह नो कितना हुआ बाबू बीस और बीस चार चौबीस पच्चीस का पांच दो कैरी दो दो चार थैंक यू निक्की थैंक यू सो मच दोस्त आ जाओ पचपन हो गया इसके अंदर अब नंबर क्वेश्चन नंबर चार के अंदर बताओ कितने हैं तो सभी का आंसर आ रहा है इसके अंदर दस है सर इसके अंदर दस है चलो दस है या नहीं पता कर लेते हैं देखो

तो इसमें पहले बाहर वालों को सबसे पहले बाहर वालों को काउंट करते हैं अंदर वालों को नहीं ठीक है आ जाओ ठीक है सर आप प्लीज सर आप ऐसे पढ़ाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है थैंक यू हेमा थैंक यू सो मच दोस्त आ जाओ आप भी ऐसे पढ़ते रहो मुझे भी अच्छा लग रहा है दोस्त आ जाओ देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार यहाँ भी लास्ट नंबर चार यहाँ भी लास्ट नंबर चार तो कर दो चार चौक सोलह तीन तिया नौ दोनी दो दुनी चार और एक चलिए भैया नौ छह नौ छह नौ छः पंद्रह समझना नौ छह पंद्रह पंद्रह चार पंद्रह चार उन्नीस का जीरो दो कैरी और दो और एक तीन कितने हो चुके हैं तीस हो चुके हैं तीस हो चुके हैं अब पांच इसके अंदर पांच इसके अंदर पांच इसके अंदर और पांच इसके अंदर तो एक दो तीन चार पाँच चौ बीस तो मुझे उम्मीद है जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं चीजें इतनी प्यार से बता दी है कि कभी गलती नहीं करोगे ये क्वेश्चन जो बड़े लगते हैं ना दुनिया को लगते हैं कि ये मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा तो वो कभी करते ही नहीं कोशिश नहीं करते पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद आप भी कोशिश करोगे थैंक यू सो मच अगला टाइप सीखते हैं अब आयत निकालना ठीक है वर्ग निकालना सीख चुके हो आप लोग अब आयत निकालना सीखेंगे ठीक है भाई जी सर आइए आयत निकालना सीखेंगे चलो जल्दी आ जाओ इसके बाद हम सर्कल काउंट करना सीखेंगे और फिर लाइंस ड्रॉ जो होती है लाइन को काउंट करना तो पूरा टाइप हम आज ही कवर कर पाएंगे ठीक है मेरे भाई रेडी रहेंगे ना सब लोग ठीक है चलो अब ध्यान से सुनना सभी आ जाओ बहुत गजब भाई बहुत गजब देखो आयत निकालने का सबसे प्यारा जो तरीका होता है वो क्या होता है मैं बताऊं पहले डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी पे बना लो इतना एक बिस्किट खा लो पेट में दर्द हो रहा है यार आज सुबह सुबह साहिल भैया सर मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है मैंने पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूँ थैंक यू साहिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं देखो मैं मेहनत बहुत करता हूँ भाई मेरा पुराना चैनल था सत्तर हजार सब्सक्राइबर थे उसके रिजनिंग बाबा के नाम से उस पर मिलियन पे नहीं थे बिलियन पे व्यू बिलियन मिलियन में व्यू नहीं थे उस चैनल के बिलियन में व्यू थे ठीक है क्योंकि उस चैनल पे मैं ट्रिक की वीडियोस डालता था लाइव नहीं पढ़ाता था ठीक है तो मेरी वीडियो डलती दस हज़ार सर दस हज़ार नॉर्मल एकदम था कि तुरंत हो जाते थे तो उस पर बहुत सारी वीडियो वायरल हुई पड़ी थी ठीक है पर वो अचानक से चैनल डिलीट हुआ मैं तीन महीने डिप्रेशन में चला गया था उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया बीच में मैंने काम करना बंद कर दिया था बस सिर्फ चैनल बना के छोड़ दिया था शुरू में दस पंद्रह दिन पढ़ाया फिर मन नहीं करा क्योंकि ना बच्चे लाइव आते मेरा लाइव पढ़ाने का मन था ना बच्चे लाइव आते थे ना कुछ जैसे आप देखो मैं इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन लाया अगर यही मैराथन में मालवीय क्लासेस पे लाता तो कम से कम हजार बच्चे लाइव आ जाते और मैं उस लायक हूँ कि मुझे हजार बच्चे देखे मुझे भी पता है ठीक है पर देखो सो भी नहीं आते छत्तीस बच्चे चालीस अब देख रहे हैं है ना तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिए रेगुलर आइए तो आप लोगों के साथ से आप चालीस बच्चे आप डेली आ रहे हो ना चालीस पचास चालीस बच्चे और जोड़िए अपनी तरफ से कोशिश आपको करनी पड़ेगी दोस्त मैं सिर्फ पढ़ाई तो सकता हूं और क्या कर सकता हूं है ना आ जाएगा अब आयत निकालना सीखेंगे बाबू आयत निकालने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है आओ प्रशांत भैया सिर्फ दो टाइप बच्चे हो रहे हैं दो टाइप और बच रहे हैं आ जाओ आयत निकालने का सबसे आसान तरीका नंबरिंग करो पहले एक और दो और एक कर दो अब क्या करना है इन दोनों को ऐड कर दो, दो और एक कितना हो चुका है तीन इन दोनों को ऐड कर दो, दो और एक कितना? तीन यहाँ भी तीन और यहाँ भी तीन तो क्या कर देना थ्री इंटू थ्री तीन दिया कितना हो गया नो आया था इसके अंदर कितने आया था नो। इसके अंदर बताओ जल्दी से सर पाँच बजे हाँ बिल्कुल सुबह पाँच बजे क्लास चलती है और पाँच बजे से सात बजे तक पर मेरे लेक्चर जो होते हैं वो सात प्लस हो जाते हैं साढ़े सात सात पंद्रह सात बीस तक क्यों क्योंकि मैं जब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता छोड़ता नहीं हूँ ठीक है आज भी देखो सात बच्चुके हैं पर अभी क्लास पंद्रह बीस मिनट और चलेगी क्यों क्योंकि भाई मुझे पता है कि जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो इक्कीस दिन का टारगेट है ना मेहनत करना चाहूंगा मेहनत करता हूँ करता रहूंगा आ जाओ ठीक है साहिल भैया तो सुबह पाँच बजे से कल से रेगुलर आ जाना और एक दो दोस्त अगर कोई और भी हो तो उसको भी लेके आना ठीक है कि भाई तेरे साथ भाई दो दोस्त बैठे रहोगे ना तो तुमसे बात भी चाहे आपस में बात कर रहे हो एक दूसरे से तो ये तो मजा आएगा कि हाँ भाई तुम पढ़ पढ़ भी रहे हो और अपना दो दोस्त चाहे दोस्त हो पार्टनर हो भाई बहन हो अपना मिल पढ़ो मज़ा भी आएगा ठीक है ना अकेले बैठने से क्या मजा आएगा भाई है ना तो थोड़ा सा करो एक दो तीन चार इधर से देखो एक दो तीन और चार तो इन सबको आपस में ऐड कर दोगे बिल्कुल चार तीन सात दो नौ और एक दस इधर कितना है दस और इधर भी चार तक था तो दस तो टेन इंटू टेन कितना हंड्रेड इसके अंदर कितने आयत है सो अब सोचो सो आयत काउंट करने में कितना समय लगता कितना ज्यादा समय लगता लगता ना इसीलिए कहता हूँ चीजें पता करोगे तो ट्रिक ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आराम से कर देगा सर यू आर मैरिड अरे नहीं पागल हो क्या मरवा दो अभी से थोड़ा आ जा अभी तो मैं बच्चा हूँ चलो भाई आ जाओ अभी दो साल मैंने मम्मी मम्मी पापा को बोला दो साल का टाइम दिया कि दो साल बाद शादी करूँगा एक बढ़िया सी लड़की पसंद आ जाए मुझे तब आपको बता दूंगा पाप मम्मी हर महीने कहती है ठीक है कोई लड़की पसंद आई मैं कहा नहीं आई कोई आई मैं कहा नहीं आई जिस दिन आ जाए मुझे बता देना वस्तु तो, ठीक है मैं खुद बात कर लूँगी आ जाओ कविता हेमा अजय चलो साहिल प्रशांत डेढ़ सौ बता रहे हैं बढ़िया चलो भाई क्या होगा इसका चेक करते हैं नंबरिंग कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो पाँच चार नौ पाँच चार नौ नौ और तीन बारह दो चौदह और पंद्रह पंद्रह पाँच चार नौ पाँच और चार नौ नौ और तीन बारह दो चौदह, एक, पंद्रह इधर भी कितने हैं पंद्रह तो इधर पंद्रह इधर पंद्रह और पंद्रह गुना पंद्रह पंद्रह गुना पंद्रह कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस कितने इसके अंदर? दो सौ पच्चीस है ठीक है उसके अंदर बताओ नंबर चार के अंदर बताओ भाई बोलो गुड्डू कह रहे हम देखें आपके लिए <laughs> आ जाओ भाई पता जैसी लड़की चाहिए ना वैसी मिल नहीं रही यार इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ वरना अब तक तो ब्याह कर लेता यार <laughs> आ जाओ पता क्या मेरा सिद्धांत वो नहीं है कि मुझे कि भाई बहुत सुंदर चाहिए वो मैं ऐसा नहीं सोचता मेरा बस ये है कि बहुत प्यारी हो ठीक है मन से एकदम साफ क्यूटनेस क्यूटनेस तो मन से होती है भाई चेहरे से नहीं होती है कि गोरी गो गोरे गोरे पाल लिए पर गोरे वाले काम नहीं है ना तो वो नहीं चाहिए भाई मन से साफ मैं तो इसलिए भाई भगवान पे छोड़ रखा है अपना कि अगर नसीब अगर मैं अच्छा हूँ तो भाई अच्छी मिलनी है बात ख़त्म चलो आंसर दो आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखो इसका आंसर पता क्या होगा देखो है चार तीन सात दो नौ दस दस इधर बैठ गया एक दो तीन चार, तो चार, चार पाँच और पांच वाले में कितना होता है पंद्रह तो दस गुना पंद्रह कितना होगा डेढ़ सौ इसके अंदर कितने डेढ़ सौ आया था कर लोगे बिल्कुल सर आ जाओ अब हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने से पहले व्रत को स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना कितने पूछा मैंने मैं पूछता हूं एक बात ध्यान से इधर आ जाओ अब मैं आपसे पूछता हूं अब मैं आपसे वर्ग नहीं पूछ रहा हूं क्या पूछ रहा हूं वर्ग नहीं पूछ रहा हूं अब मुझे बताओ इसके अंदर इस इनके अंदर भी पूछ रहा हूं इनके अंदर बताओ क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन क्या आया हुआ है क्वेश्चन पढ़ा देता हूं पढ़ देता हूं मतलब क्वेश्चन क्या आया है दिए गए दिए गए दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में कितने कितने केवल त्रिभुज हैं त्रिभुज बताएंगे क्या चलो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ठीक है और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप मुझे देंगे ठीक है आ जाओ भाई अब देखते हैं किसका आंसर आता है तो हमें क्या बताना है वर्ग नहीं बताना चलो वर्ग काउंट करने के लिए मैंने बोला ही नहीं अब बताओ कर दोगे बताओ इसके अंदर कितने वर्ग है इसके अंदर वर्ग बताओ कितने इसके अंदर जल्दी से नंबर वन के अंदर बताओ कितने वर्ग है ओ सॉरी आयत ओ सॉरी त्रिभुज सॉरी यार त्रिभुज मैंने त्रिभुज लिखा है आयत लिखना है यार आयत लिखना है मैंने त्रिभुज लिख दिया सॉरी भाई आयत आयत बोलो त्रिभुज लिख दिया गलती सॉरी आप बताए चलिए सर सब बोल रहे हैं आपके चार बच्चे लग रहा है <laughs> जा आंसर तो अभी तो मेरी ढंग से मुझसे भी आए <laughs> चलो भाई चलो भाई कौन अच्छा चले भाई हाँ कविता बिल्कुल इधर आ इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ क्या होगा साहिल करें सर आप कहाँ से बाबू मैं हूँ तो मेरे भाई यूपी मेरठ से ठीक है इसके अंदर चार बता रहे हैं ठीक है, है? इसके अंदर चार बता रहे हैं आप लोग आयत बताने ध्यान रखना इसके अंदर बताओ इसके अंदर बताओ नो भी है अच्छा इसके अंदर नो भी है नो भी आंसर चार और नो दो आंसर आए अभी तक ठीक है इसके अंदर बताओ आ जाओ मैं हूँ तो यूपी मेरठ से भाई दिल्ली के पास ठीक है परंतु मेरे भाई इस टाइम मैं प्रयागराज अलाहाबाद में हूँ ठीक है और रहने को मैं भाई कहाँ नहीं रहा उत्तराखंड रहा ठीक है अपना यूपी मेरठ तो है अपना दिल्ली रहा आगरा जॉब करी ठीक है और और कहाँ रहा आगरा के बाद कहाँ गया था हरियाणा गया हरियाणा के बाद गुड़गांव गया ठीक है बेंगलोर गया और अब मैं इलाहाबाद में हूँ आ जाओ पाँच साल में कोई जगह नहीं छूट दी आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो भाई करना क्या है बोलो इसके अंदर बारह आंसर आ रहे हैं सर बारह है ठीक है इसके अंदर बारह है इसके अंदर बताओ तीसरे के अंदर क्या थे आ जाओ आ जाओ तुम सब गलत कर दोगे गलत कर दोगे आओ मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ तुम सीखने का प्रयास करना ठीक है तुम सीखने का प्रयास करना ठीक है आ जाओ देखो इसके अंदर देखो दो चीज समझना दो चीज समझना दो चीज ठीक है आप इसके अंदर कह रहे हो कि आयत चार है और नौ है बिल्कुल ध्यान सुनना पर एक बात बताओ अगर मैं कहूं कि इसके अंदर वर्ग कितने थे वर्ग कितने थे तो आपने कहा विकास भैया इसमें वर्ग देखे थे तो पांच थे कितने थे पांच थे ठीक है और अगर मैं इसमें आयत पूछूं आयत आयत पूछूं तो आप कह रहे विकास भैया एक और दो तो दो और एक कितना तीन इधर हो गया और दो इधर तो दो और एक तीन इधर हो गया तो तीन तिया नो विकास भेष के अंदर नो है पर अगर आप यहाँ पर नो ऐसे बता रहे हो ना तो आप गलत हो मेरे भाई आप गलत हो क्यों सर हम गलत क्यों हैं क्योंकि आपने सीखने का कोशिश नहीं किया आपने सीखने क्योंकि एक बात याद रखना एक वर्ग के अंदर आयत नहीं होता पर एक आयत के अंदर वर्ग होता है एक आयत के अंदर वर्ग होते हैं बोलो हाँ सर समझ में आया हाँ सर तो आप क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ते ना तो आप गलती नहीं करते इस क्वेश्चन ने क्या पूछा दिए गए चित्र में कितने केवल आयत है इसने इसने आयत आयत नहीं नहीं पूछे क्या बोला इसने आयत नहीं पूछा अगर आयत पूछता तो आयत वह बताने होते जिनके अंदर वर्गो को भी काउंट कर रहे हैं पर केवल आयत का मतलब सिर्फ केवल आयत हो उसके अंदर वर्गो को काउंट ना किया गया समझे कुछ मेरी बात थिंकिंग समझ में आ रही है इसने बोला केवल आयत यानी कि ऐसे आपको आयत ढूंढने हैं जिनके अंदर वर्गों को काउंट ना किया गया हो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ठीक है डिटेल में ओके यस सर आओ देखो जैसे मैंने एक आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ ए ये देखो ये डायग्राम बनाया बिल्कुल ध्यान से सुनना ये डायग्राम बनाता हूँ ए ये बनाया मैंने ठीक है अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं तो आप मुझे बता दोगे इसके अंदर वर्ग कितने अगर मैं पूछूं इसके अंदर आयत कितने हैं तो मुझे आप आयत भी बता दोगे पर कभी कभी आपको आप कन्फ्यूज हो जाओगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे पर आंसर आपको देना पड़ेगा ठीक है आया चलो जी अब क्या होगा एग्जामिनर क्या करेगा इसका जो आंसर आएगा ना लिख देगा केवल आयत बिल्कुल ध्यान से सुनना तनु क्या बोलेगा वो केवल आयत बोल देगा पर बच्चा क्या सोचेगा बच्चा सोचेगा कि विकास भैया आयत और आयत वाला आंसर ऑप्शन नंबर वन में दे देगा हम गलत हो जाएंगे आप सीखो वर्ग पूछेगा तो आप कैसे करेंगे वर्ग पूछेगा तो आप क्या करेंगे एक दो तीन एक दो तीन तो तीन तिया नो तीन थ्री इन टू थ्री तीन तिया नो आप एक घटाते चले जाओ दो दुनी, चार और एक ही तो कितना हुआ नौ चार तिहरा अरे कितना हो गया चौदह इसमें कितना हो गया चौदह हो चुका है ठीक है पर आयत पूछता तो क्या करते इनको ऐड कर देते तीन दो पांच रिक्शा इधर और छे इधर हो गए तो और छंगा तो सिक्स इंटू सिक्स छः छंगा कितना हो गया छंगा छत्तीस ठीक है पर इस बार हमसे क्या पूछा गया था सिर्फ क्या पूछा है केवल आयत और केवल आयत का मतलब आप सभी जानते हैं कि आयत हमारे पास कितने थे छत्तीस ठीक है केवल आयत का मतलब होता है जिसके अंदर एक भी वर्गों को काउंट ना किया गया हो तो वर्ग कितने थे चौदह तो चौदह के चौदह वर्गो को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयत बचेंगे जिनके अंदर वर्गो को काउंट नहीं किया गया तो छह में से चार गया दो बचा और तीन में से एक गया दो तो कितना बचा बाईस तो हमारे पास केवल आयत अगर पूछेगा तो कितने होंगे बाईस कितने होंगे बाईस बहुत शानदार भाई बहुत ही शानदार इसके अंदर बताएं चलो अगला डायग्राम आपके सामने जल्दी बताओ फिर मैं टाइप चेंज कर दूंगा ठीक है ये वाली कंडीशन बताने के लिए ये वाला टाइप रोक रखा है फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ठीक है आ जाओ अब देखो यहाँ पर आप देखिए एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार आप करो ठीक है सब कुछ निकाल के बताओ सब कुछ निकाल के बताओ केवल आयत भी आयत भी और वर्ग भी तीनों कंडीशन जानो एकदम बढ़िया से आ जाओ पहले मैं आपसे पूछता हूँ वर्ग बताओ इसके अंदर कितने हैं तो आप क्या करोगे यहाँ लास्ट नंबर चार है यहाँ लास्ट नंबर छह तो क्या करेंगे पानती पंद्रह एक एक घटाते चले, चले जाओ तो चार दुनी आठ और एक गुणा तीन तीन एकम तीन आ जाओ कितना हुआ प्यारे बच्चा आ जाओ पाँच चार नौ पाँच चार नौ नौ और आठ सत्रह पाँच चार नौ नौ आठ सत्रह सत्रह तीन

आपने दस लिख दिया यहाँ लास्ट नंबर क्या छह तो छह के बाद क्या आता है सात तो छह सत्यास और बयालीस का आधा इक्कीस तो कर लो छह कितना हो पांच ग्यारा, ग्यारा चार होगा पंद्रह पंद्रह और कितना पंद्रा, तीन कितना हो गया पंद्रह तीन अट्ठारह दो बीस और एक इक्कीस ठीक है तो मर्जी जैसे भी हो अब उधर क्या था इक्कीस अब देखो इधर कितना है दस आयत निकालना इधर दस और उधर इक्कीस तो इक्कीस धम्मा कितना हो गया दो सौ दस अब 210 इसके प्रश्न में आप बताओ कितने केवल आयत है बच्चा बच्चा आयत ही तो पूछ रहा है तब हमें वो सोचना पड़ेगा तो दो में से प्यारे भैया अगर पचास घटा दोगे तो कितना बचेगा एक बचेगा ठीक है मेरे भाई बहुत अच्छे आप लोगों ने बहुत अच्छे सीखने का प्रयास किया बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद अब वर्ग को एक बार सीख लो वर्गों को कैसे काउंट किया जाता वर्गों को अब हमारे सामने कुछ डायग्राम दिए गए हैं ठीक है थीके? कुछ डायग्राम दिए गए हैं तो डायग्राम को हम बेसिक से समझेंगे सर्कल इसको लिखते हैं सर्कल वाला टाइप जो होता है सर्कल वाला देखो मैं लिख देता हूँ सी आई आर सी एल ई ठीक है अब सर्कल की ट्रिक हम जान लेंगे सर्कल को कैसे काउंट करते हैं ठीक है भाई आ जाओ सर्कल के अंदर हमारे बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अब मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप समझने का करिएगा तो दोनों चीजों में बहुत मजा आएगा ठीक है भाई दोनों चीजों में बहुत मजा आने वाला है ठीक है आ जाओ अब देखो सर्कल के क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आया सर्कल का क्वेश्चन ठीक है अब इसने पूछा इसके अंदर बताओ कितने सर्कल होंगे क्या पूछा इसके अंदर भैया बताओ कितने सर्कल हो गए तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा सबसे पहले बेसिक जानना पड़ेगा सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा हमें बेसिक जानना पड़ेगा क्या जानना पड़ेगा इसका बेसिक तो पहले इसके बेसिक पे चलो पहले मैं आपको बताता इसका बेसिक पहले इसका बताता बेसिक आ जाओ पहले हम बेसिक को जानेंगे बेसिक को जानेंगे ठीक है आ जाओ अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया ठीक है भाई क्वेश्चन ले लिया अब इसके अंदर कितने होंगे समझना बिल्कुल ध्यान से अब बच्चा सोचेगा विकास भैया एक दो और तीन ऑप्शन नंबर सी यस यस या नो यस या नो नो क्यों? क्योंकि सर्कल का मतलब हम क्या टाइप पढ़ रहे हैं हम हम कौन सा का पढ़ रहे हैं रे, रेखा नहीं सर्कल को काउंट करना हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम कर रहे हैं व्रतों को काउंट करना सर्कल को काउंट करना ठीक है कि हमारे सामने कोई भी सर्कल आए हमारे सामने कोई भी कोई भी सर्कल आए हम उसको आसानी से काउंट कर सके तो आप सर्कल का मतलब तो यही होता है ना एक सर्कल हो चुका है ये दूसरा सर्कल बचा हो गया क्या कोई लाइन बच रही है क्या नहीं सर तो कितने हुए दो हुए ना कितने हुए दो हुए फिर तो हाँ सर बात तो सही कह रहे हो तो अगला देखो भाई अगला देखो ये रहा अब इसको कैसे कर सकते हैं ठीक है अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं चलो भाई करके दिखाओ चलो करके दिखाओ इसके बाद कितने होंगे इसके अंदर कितने हैं बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना पहले नॉर्मल सीखो पहले नॉर्मल सीखो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है आ जाओ अब मैंने एक एक लैंग्वेज ली है सिखाने के लिए ये क्वेश्चन दिया नहीं है ये क्वेश्चन सिखाने के लिए कि एक नॉर्मली एक नंबर जो तीन होता है इसको बनाने के लिए एग्जामिनर किस वे में दे सकता है पहला होता है एक ये दो और एक ये बड़ा तीन कितना हुआ तीन हुआ एक दो तीन कितना हुआ तीन हुआ एक ये था अब इसको छोड़ो इसको छोड़ो पहले आप इधर देखो एक ये दो और एक ये तीन अब इसको इजी वे में करने के लिए एक आपको कैसे पढ़ना है ऐसे देखो एक दो और ये तीन इसमें देखो एक दो और ये तीन ठीक है तो तीन को किसी भी लैंग्वेज में तोड़ सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है अब नॉर्मल से धीरे धीरे समझते हुए बड़े क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग ठीक है आइएगा इस क्वेश्चन को देखो अब इसके अंदर लग रहा है एक दो तीन चार पाँच बच्चा पाँच पे क्लिक कर देगा ये मुझे भी लगता है और मुझे लगता है कि इससे इस चीज़ से हमें बाहर आना पड़ेगा तो आपको क्या करना है प्यारे बित्रा आपको क्या करना है आपको सोचना पड़ेगा क्या नीचे इसकी विकास भे ने एक तरीका बताया था या तो ऐसे कर लो एक दो और तीन इसके अंदर तीन है क्योंकि आगे तो सब इस प्रकार बनने इसका मतलब इसी का ही तो पार्ट होगा जो ऐसे बना हुआ है उसी का तो मुड़ा हुआ होगा ना तो दिमाग से बस क्या सोचो एक दो तीन इसके अंदर कितना है तीन आप करके देख लो तीन ही है या ज़्यादा है सर देखो यहां से देखो बिल्कुल ध्यान से एक ये वाला हो गया ये वाला दो हो गया ये वाला तीन हो गया कितने इसके अंदर, तीन है। ठीक है। ये देखो।, इसके अंदर देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ कितने इसके अंदर नौ कितने इसके अंदर भाई नौ इसको नोट करने की जरूरत नहीं है समझो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बस बोर्ड पे फोकस रखो आंसर दो ठीक है ना नोट करने की जरूरत ये सिर्फ समझने की बात होती है मेरे भाई ठीक है ये समझने के लिए है इसको देखो, इसको देखो, कितने इसके इधर से एक दो तीन चार कितने हैं चार ही हो चुके हैं अगले वाले में देख लेते इधर से काउंट करो चार के बाद पांच छ सात कितने हो चुके हैं सात इसके अंदर कितने डायग्राम है टोटल सात कितने इसके अंदर टोटल सात है ठीक है नो कौन बता रहा है भाई नो कैसे बता दोगे इसके अंदर भाई नो नहीं है इसके अंदर देखो इधर से देखो काउंट करके एक दो तीन चार चार इस वाले में हो गए इस वाले में देखो एक दो तीन तो चार और तीन सात ठीक है यस सर अगला देखो देखो जल्दी से जल्दी से क्या करना है एक दो तीन चार पांच छ इसके अंदर कितने हैं भाई कितने इसके अंदर छः कमेंट ही तो करनी है कर दो यार इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ठीक है मजा आ जाना चाहिए आ जाओ अब ये क्वेश्चन आ गया अब घिचपिच हो ने इसके अंदर कुछ नहीं सोचना आप क्या करोगे देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और बीच में तेरह इसके अंदर कितने हैं भाई तेरह कितने इसके अंदर तेरह ठीक है सर यस सर अगर आप उसको कर सकते हो तो आप इसको भी कर सकते हो अगर आप उसको कर सकते हो तो इसके अंदर भी बता सकते हो जल्दी बताओ अट्ठाईस होंगे 29 होंगे तीस होंगे इकतीस चलो अपनी अब जल्दी से बताओ प्रशांत जल्दी बताओ और कल का टॉपिक याद है ना कल क्या है टॉपिक मैंने अभी जब लिस्ट दिखाई थी तो बताया था ना कल का टॉपिक क्या है मैं भूल गया कल मैंने कौन सा टॉपिक बताया आप लोगों को काउंटिंग फिगर के बाद कोडिंग डिकोडिंग कल कोडिंग डिकोडिंग है ठीक है भाई तो 21 दिन 21 मैराथन चल रही है ठीक है और डेली हम और मैंने वो टॉप चाहे पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट सिचुएशन रिएक्शन हो पेपर कटिंग हो डिसीजन मेकिंग हो अर्थमेटिकल हो इनपुट आउटपुट सिटिंग अरेंजमेंट स्लॉक्स ये सारे टॉपिक लिए हैं इस इक्कीस दिन के अंदर जो कि मस्ट है आपके लिए एग्जाम के लिए ठीक है ना तो भाई ध्यान रखना इस बात का ठीक है चलो यहाँ देखना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस तो ये हो चुके बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस और एक ये बड़ा वाला कितना हो चुका है तीस तो प्यारे बच्चा इसके अंदर कितने हैं तीस उनतीस ने एक बड़ा वाला भूल रहे हो आप लोग <laughs> चलिए क्या बात है भाई कंचन क्या बात है भाई बहुत बहुत स्वागत है कितने दिन में दिखाई दिए भाई क्लास में आप लगभग तीन चार महीने बाद आई हैं क्लास में पता है आपको चलिए तो प्यारे बच्चा ये लोग क्या है ये आपकी इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन है इसका लुप्त तो उठाइए बढ़िया से आ जाओ आज हमने बेसिक से पढ़ा एक एक चीजें काउंटिंग फिगर को ठीक है इसके अंदर कितने है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इसके अंदर कितने बारह इसको मत काउंट करना सर इसके अंदर ट्राएंगल कितने है? हम यहाँ सर्कल काउंट कर रहे हैं ठीक है ट्राएंगल नहीं चलो तो इसके बाद इसके अंदर बताओ कितने जल्दी से अब आपका कमेंट बरसना चाहिए अब तक वो क्वेश्चन थे जिसमें मुझे बताना पड़ रहा था समझाना पड़ रहा था अब आप खुद करके बताइए आजा प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी तो नैया है पार तू लगाई दे अच्छा कौन लगाएगा पार भाई बोलो भाई प्रेम की नैया है राम के भरोसे झूठ बोल रहे हो एकदम भाई तुम झूठ मत बोला करो ठीक है प्रेम की नैया विकास सर के भरोसे है हम जब चाहेंगे हम करेंगे प्रेम तो अपने भरोसे किसने कहा राम के भरोसे भगवान भी तो कहता है अपनी जोड़ी खुद बनाओ तो हम भी बनाएंगे चलो दो साल बाद बनाएंगे चलो चलो रूपम जी निक्की श्रेया शर्मा स्वागत है श्रेया समझ में आया आपको एक बार बताओ कमेंट करके सभी एक बार बताओ जितना आप तक पढ़ाया सबको समझ में आया ना कविता आ जाओ अब देखो भाई इसके अंदर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बारह तेरह चौदह कितने हैं इसके अंदर चौदह बहुत अच्छे इसके अंदर बताओ कितने हैं आ जाओ जल्दी जल्दी करा दू आ जाओ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ हो चुके आठ के बाद नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितने इसके अंदर तेरह इसके अंदर बताओ तेरह के बाद इसके अंदर बताओ कितने हैं इसके अंदर देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस 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 के बाद ये बीस और ये इक्कीस कितने हो चुके हैं इक्कीस हो गई इसके अंदर कितने हैं इक्कीस है ठीक है ठेके? अब इक्कीस के बाद ये भी आ सकता है आ जाओ देखो मुझे पता है इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा पर मैंने आपसे छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको समझाया बड़े से बड़ा भी समझाया ठीक है तनु जी आ जाओ सर आप जोड़ी बनाओ हम रसगुल्ला खाने आएंगे हाय क्या बात है भाई ये बहुत कड़ी बात कह दी भाई चलो भाई चलो जल्दी करवाता हूँ इंतजाम तुम्हारा ठीक है अब देखो तुम्हारे एक रसगुल्ले के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बड़ा कष्ट है हैं? <laughs> चलो, जल्दी बताओ अरे टेक्नीशियन में कुछ अलग थोड़ी ना है एक ही बात है यार है ना एक ही बात है आ जाओ अब मैंने ये वाला जब सर्कल काउंट किया था पीछे वाला आपने देखा इसमें क्या था भाई इसके अंदर आपने देखा दो लाइन थी जो डायग्राम है सेम उधर बना हुआ है पर इसमें दो लाइन थी तो इकतीस तीस है इसमें 30 तो एक डायग्राम में यहां पर देख सकते हो अगर काउंट भी करना तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और एक बड़ा वाला बीस बीस इसके अंदर है भाई बीस इसके अंदर है तो सेम डायग्राम है चारों तो एक दो तीन चार तो बीस चौका अस्सी बीस चौका अस्सी और ये क्वेश्चन व का है तुम्हार ई क्वेश्चन का है होमवर्क है ठीक है ई क्वेश्चन होमवर्क बा इसका आंसर कहा हुई तुम कमेंट करके बताए दे लो ठीक है और हाँ सुना एक चीज और थोड़ा सा बताए दे हम तुमको थोड़ा समझ लिया ठीक है कभी कभी जिंदगी में एक का एक चीज आ जाती है ठीक है कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है उसको मैं क्लियर पांच मिनट में क्लियर कर देता हूँ सिर्फ पांच मिनट दे ठीक है सिर्फ पांच मिनट है ना आ जाओ पांच मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ देखो कभी कभी हमसे लाइन काउंट करने के लिए भी बोल देता वरना ये रह जाएगा टाइप है ना पांच मिनट में समझा देता हूँ है ना तो देखो रेखाओं को कैसे काउंट किया जाता है जो हमारी इस प्रकार लाइन होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन मतलब छे रेखा ठीक है जो हमारी सीधी लाइन है इसको क्या बोलते हैं लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन बोलते हैं और ये तिरछी रेखाएं होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं स्लेंट लाइन या डायगलन लाइन भी बोलते हैं ठीक है बाय बाय कहने से पहले पांच मिनट रुक जाओ ठीक है वरना पीटोगे सारे इधर आओ अब देखो अब इस डायग्राम को देखो अब देखो हमें क्या करना होता है ये तीनों लाइन काउंट करनी होती है ठीक है तो जब छोटा क्वेश्चन आए तो अलग अलग ये क्या ये तीनों अलग अलग तब काउंट करते हैं जब बड़ा सा डायग्राम आए छोटा क्वेश्चन है तो आप एक और दो तीन आप खुद बोल दोगे इसमें तीन लाइन का यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को देखोगे तो बता दोगे कितनी लाइन का यूज़ किया गया है एक दो तीन चार ये पाँच और ये छः इसके अंदर छः लाइन का यूज़ किया गया है ठीक है सर इसके अंदर पूछेगा तो बता दोगे बिल्कुल सर इसमें आप अलग से लिख सकते हो देखो अगर आप हॉरिजेंटल लाइन देखो तो एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच तो पांच क्या हो गई होरिजेंटल लाइन वर्टिकल देखो लंबवत एक है और एक ये रही कितनी है लंबवत दो है तिरछी रेखा है देखो स्लेंट लाइन एक और ये दो दो हो गई तो कितना दो चार और पांच चार कितना होगा नौ ठीक है भाई जी सर बहुत अच्छे तो ये तो बहुत नॉर्मल है इसको तो आप कर लोगे ठीक है आ जाओ ये देखो इसके अंदर देखो कितनी है तो आपने देखा एक और दो हॉरिजेंटल कितनी थी इसके अंदर सिर्फ दो ठीक है लंबवत कितनी है वर्टिकल सिर्फ दो नहीं वर्टिकल कितनी है एक दो तीन चार पांच इसके अंदर कितनी है पांच अब सिलेंट तिरछी रेखा है एक दो तीन चार हो होगी चार तो पांच चार नौ और नौ और दो कितना होगा ग्यारह ठीक है कर लोगे ये तो बहुत ईजी है ठीक है इसके अंदर कितनी होगी इसको भी कमेंट कर लेना ठीक है अगर हो सके तो ठीक है दोनों का ठीक है क्लास कैसे लगी प्यारी सी कमेंट करके जरूर जाना ठीक है वीडियो के नीचे लिख देना लिख एकदम जो लाइव भी हो ना ऑफलाइन कमेंट सारो करना चालीस बच्चे हो चालीस के चालीस कमेंट करके जाना वीडियो के नीचे और एक एक कमेंट नहीं दो दो तीन तीन कमेंट एक शायरी की एक मोटिवेशन वाली और एक मेरे लिए एक लाइन और हाँ एक कमेंट में आंसर भी देना है ठीक है राधे राधे प्रणाम और जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो के ऊपर 21 दिन 21 मैर्थन की प्लेलिस्ट का लिंक है इससे पहले जो चार लेक्चर हो चुके हैं अगर डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो उस लेक्चर को चारों को डिटेल में पढ़ लेना ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 24 दिन 21 दिन का लिंक है तो उसको भी देख लेना ठीक है सबको थैंक यू सो मच सबको बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो कल हमारा कौन सा टॉपिक है भाई कोडिंग डिकोडिंग याद रखना थैंक यू लव यू सभी को सेशन बढ़िया था ना मज़ा आया सबको मज़ा आया ना ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कराते रहिए और ऐसे मस्ती मस्ती में डेली सुबह पाँच बजे आकर क्लासेस अटेंड कीजिए थैंक यू